वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। और भाई साहब, इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीपक तीर्थयानी और मैं आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने ढेर सारे कमेंट करे कल, ठीक है, टीचर्स डे विश करा आज सुबह से, उसके लिए आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई। और इसी उपलक्ष्य में आपको वाईफाई स्टडी की ओर से ऑल वीडियो कोर्सेज, ठीक है, जितने भी वीडियो कोर्सेज हैं अपने यहाँ पर, ठीक है, उसमें आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है, 30% का डिस्काउंट है आपको, आप, और ये सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए वैलिड है फ्रेंड्स, ठीक है, आपको 30% का डिस्काउंट है, 2 दिन के लिए वैलिड है। जो जल्दी से जितना भी आप वीडियो कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं वाईफाई स्टडी की, और आराम से आप लोग परचेज करके वीडियो कोर्सेज घर पर बैठ कर देखिए आराम से, ठीक है फ्रेंड्स। ये टीचर्स डे के उपलक्ष्य में हमारी तरफ से आपको गिफ्ट। चलिए आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कल आपने एक करी थी कि पीडीएफ मुझे मिल नहीं रही है, तो आप पीडीएफ को देखो क्या होता है, सेशन खत्म होने के बाद आप लोग क्या करो, वाईफाई स्टडी की जो ऐप है उस पर जाओ और पीडीएफ को डाउनलोड करो, ठीक है। आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे आज के सेशन से रिलेटेड, जितने भी आपको जो पढ़ाया गया है वो भी आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा, तो आप कन्फ्यूज मत हो, ठीक है, आराम से आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, आपको आज के सेशन की पीडीएफ भी मिल जाएगी। उसके लिए आपको वाईफाई स्टडी की जो ऐप है डाउनलोड करके आराम से उसमें देखो आप, ठीक है, क्विज वगैरह सब कुछ दे सकते हो आप वहाँ से। चलो, ओके, हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे, झड़ी लगा दी है भाई लोगों, आप लोगों ने, चलो बहुत ही बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कल हमने आइदर ओर की कंडीशन पढ़ी थी, ठीक है, सिलोजम के अंदर हमने क्या पढ़ा था कल, आइदर ओर का सेशन पढ़ा, पर आइदर ओर के हमने क्वेश्चंस नहीं किए थे, सिर्फ समझा था कि आइदर ओर कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, तो फटाफट से एक बार देख लेते हैं आइदर ओर की कंडीशन कौन कौन सी है, ठीक है। देखो इधर, कल मैंने आपको बताया था कि आइदर ओर 3 चीजों में अप्लाई होता है फ्रेंड्स, ठीक है, आइदर ओर कहाँ कहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है, सम और नो के केस में अप्लाई होगा, सम सम नॉट के केस में अप्लाई होगा, ऑल और सम नॉट के केस में अप्लाई होगा, ठीक है। आप इन तीनों चीजों को ध्यान से देख लीजिए, आइदर और 3 केस में अप्लाई होता है, सम और नो कुछ है कोई नहीं है के केस में, सम सम नॉट कुछ है कुछ नहीं है के केस में, ऑल और सम नॉट, ठीक है। पर फर्स्ट थिंग क्या थी आइदर और के लिए, आइदर और के लिए पहली चीज क्या होनी चाहिए भैया, जहां डाउट होगा, जहां पर संदेह की स्थिति बनेगी, जहां पर डाउट होगा संदेह की स्थिति बनेगी, वहीं पर आइदर और अप्लाई होगा, ठीक है। जैसा कि आपको एक बार रुको, चेंज कर लूं यार पेन को, ओके, चलो देखते हैं, ठीक है, जहां पर डाउट होगा वहां पर आइदर और लगेगा, नाम से पता लग रहा है या वाली स्थिति, डाउट वाली स्थिति, तो भैया सीधी सी बात है या वाली कंडीशन क्या बनेगी, ठीक है, जहां पर डाउट होगा वहीं पर बनेगी। लेकिन फ्रेंड्स देखो गलती कहां होती है, हम कहां पर मिस्टेक कर देते हैं, आइदर और समझने के लिए एक मेन चीज ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है, कि जहां पर डाउट होगा वो तो चीज समझ में आ गई, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट एक पॉजिटिव मिलेगा कंक्लूजन का, जो हमारा कंक्लूजन के अंदर जो हमारा स्टेटमेंट होगा वो हमें क्या मिलेगा, एक तो पॉजिटिव होगा, एक क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब हम सोल्व कर रहे होंगे तो पहले इंडिविजुअल दोनों गलत होने चाहिए, ठीक है, उनके सब्जेक्ट और प्रिडिकेट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। 3 चीजें थी हमारे पास, कौन कौन सी, पहला तो वो दोनों गलत होने चाहिए इंडिविजुअली, ठीक है, इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए कंक्लूजन, इसके अलावा पॉजिटिव और नेगेटिव होना चाहिए, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और एक क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, सब्जेक्ट और प्रिडिकेट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। लेकिन उनका ऑर्डर इन 2 केस में तो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, इनका ऑर्डर इन 2 केस में तो चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, इन 2 केस में, कौन से, सम नो, सम सम नोट, लेकिन ऑल और सम नोट के केस में भैया ऑर्डर भी सेम रहना चाहिए, आगे ए पीछे बी, तो यहां पर आगे ए पीछे बी ही होना चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट में। आज हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जैसा कि मैंने कल आपको बोला था, और फिर पॉसिबिलिटी के जितने भी केस है, संभावना वाले केस है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, देखो इधर इसको देखना आप, ये 2 क्वेश्चन मैंने सामने लिखे हुए हैं। बहुत सी बार क्या होता है कि हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं और आइदर और अप्लाई कर देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव देखकर, ठीक है, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखना है फ्रेंड्स। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन दोनों में इंपॉर्टेंस ही बताऊंगा, देखो कहां कहां पर आइदर और अप्लाई होगा और कहां कहां पर आइदर और अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप इसको देखना, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखना, ठीक है, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ठीक है, ओके,
इस क्वेश्चन को देखते हैं सबसे पहले, इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम बनाते हैं। स्टेटमेंट हमारा 100% क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। स्टेटमेंट हमारा 100% क्या होना चाहिए, ट्रू स्टेटमेंट। चलो डायग्राम बनाते हैं इसके लिए, ऑल ए आर बी। फर्स्ट अपन बनाते हैं इसके लिए डायग्राम, ऑल ए आर बी ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कोई भी ए सी नहीं है, नो ए आर सी। ये डायग्राम बनाया भाई, ऑल ए आर बी ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नो ए आर सी ठीक है। अब देखना इधर इस डायग्राम के लिए देखना, क्या यही डायग्राम बनेगा या और भी डायग्राम बनेंगे ठीक है। ए वाला पोर्शन सी में नहीं जा सकता, सी वाला पोर्शन ए में नहीं जा सकता, ये दोनों एक दूसरे में क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन बी वाले पर कोई बाउंडेशन नहीं है तो वो तो क्रॉस कर सकता है ना फ्रेंड्स ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए देखो एक से ज्यादा डायग्राम बनेंगे, इसका एक और डायग्राम और कौन सा बनेगा, इसका एक और डायग्राम ये भी बन सकता है, ऑल ए आर बी ठीक है, ऑल ए आर बी एंड नो ए आर सी, कोई भी ए सी नहीं है ठीक है, कोई भी ए सी नहीं है, पर अगर ये बी सी हो गए तो भी हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं होगा, स्टेटमेंट हमारा क्या रहेगा, ट्रू रहेगा फ्रेंड्स ठीक है, ये रहेगा ही सही। अब आप देखो इधर इस क्वेश्चन के लिए दो डायग्राम बने मेरे। अब मैं पहला वाला कंक्लूजन चेक कर रहा हूं ठीक है। पहला वाला कंक्लूजन क्या है, सम बी आर सी, कुछ बी सी हैं। तो देखो इस वाले डायग्राम में सम बी आर सी, क्या बी सी है क्या, वो बोल रहा है सम बी आर सी, पर यहां पर बी सी नहीं है, तो ये वाली जो कंडीशन है कंक्लूजन की, फर्स्ट कंडीशन जो है वो यहां पर क्या हो गई, रॉन्ग हो गई ठीक है। इस वाले डायग्राम में चेक कर लेते हैं, वो बोल रहा है सम बी आर सी, क्या बी सी है, बिल्कुल है फ्रेंड्स ठीक है। तो इस वाले कंडीशन में, तो इस वाले डायग्राम में ये कंक्लूजन क्या हो गया, राइट। एक में रॉन्ग एक में राइट, तो मैंने आपको बोला था कि अगर एक भी कंक्लूजन में, एक भी कंक्लूजन अगर डायग्राम में जो आप चेक कर रहे हो उसमें रॉन्ग हो गया, एक में रॉन्ग, तो फिर वो क्या होगा, रॉन्ग होगा। यानी ये रॉन्ग हो गया, एक में राइट है एक में रॉन्ग है, लेकिन एक में भी रॉन्ग, तो फिर ये रॉन्ग कंक्लूजन। अगला चेक करते हैं, नो बी आर सी। अब वो बोल रहे हैं नो बी आर सी, कोई भी बी सी नहीं है, तो बिल्कुल कोई भी बी सी नहीं है, बी और सी दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं ठीक है भाई, दोनों अलग अलग हैं, तो इसमें तो क्या हो गया, राइट। पर इसमें देखो वो बोल रहा है कोई भी बी सी नहीं है, पर इसमें तो बी सी है, तो वो जो बोल रहा है कोई भी बी सी नहीं है वो गलत बोल रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया ठीक है। अब इस वाले में देखो, इसमें तो राइट हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था, रॉन्ग, तो एक में भी रॉन्ग तो क्या होगा, रॉन्ग होगा। और देखो इंडिविजुअल दोनों रॉन्ग हो गए सबसे पहले ठीक है। तो अपन देखना इधर, सबसे पहले एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है, एक स्टेटमेंट नेगेटिव है, कुछ बी सी है पॉजिटिव है, कोई भी बी सी नहीं है नेगेटिव है। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो सबसे पहले हमने चेक किया वो इंडिविजुअल रॉन्ग होने चाहिए, बिल्कुल वो इंडिविजुअल तो रॉन्ग हो गए, फर्स्ट रॉन्ग हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। अब देखते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, देखते हैं क्या इनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है, बिल्कुल बी और सी की बात हो रही है, यहां भी बी और सी की बात हो रही है। अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है, ऑर्डर अगर यहाँ पे डिफरेंट भी होता ना, तो सम अगर बी आगे लिखा हुआ होता, सॉरी अगर नीचे वाले स्टेटमेंट में सी आगे लिखा हुआ होता, बी पीछे लिखा हुआ होता ठीक है, तो भी ये कंडीशन अप्लाई होती फ्रेंड्स ठीक है। यहां पर ये सम और नो, एक बार बोल रहा है कुछ हैं, दूसरी बार बोल रहा है कोई भी नहीं है, तो इस केस में हम क्या अप्लाई करेंगे, आइदर और अप्लाई करेंगे, नाइदर नोर अप्लाई मत कर देना आप लोग ठीक है, नाइदर नोर अप्लाई नहीं होगा। यहां से देखने पर तो दोनों गलत लग रहे हैं, लेकिन हमें देखो एक ही क्वेश्चन के अंदर सेम सब्जेक्ट सेम प्रेडिकेट की बात कर रहा है, एक बार उसके होने और एक बार उसके न होने की बात कर रहा है, तो इस कंडीशन में हमेशा आइदर और अप्लाई होगा ठीक है। क्या अप्लाई होगा यहां पर, आइदर और, या वाली स्थिति बनेगी। अब देखो दोस्तों यहां पर एक केस मैंने आपको बताया था, सम और सम नोट। बहुत से लोगों ने बोला कि सम और सम नोट के केस में सर हमें तो आज तक यही बताया गया है कि उसमें आइदर और अप्लाई नहीं होता है ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि भैया आइदर और यहां पर अप्लाई होगा कि नहीं होगा ठीक है। भैया हमेशा याद रख लेना, तीन केस होते हैं, ऑल सम नोट ठीक है एक केस, दूसरा ऑल और ऑल सम नोट एक केस हो गया, दूसरा सम सम नोट एक केस हो गया, तीसरा होता है कुछ हैं और कोई भी नहीं है, यानी सम और नो वन ठीक है। ये तीन केस होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अभी यहां पर देखना इस क्वेश्चन के अंदर देखना, अब सम बी आर सी, अब इस वाले क्वेश्चन को चेक करते हैं।
इसी स्टेटमेंट के लिए अब मैं ये वाले कंक्लूजन चेक कर रहा हूं, सम बी आर सी, देखो भाई चेक करो आप सम बी आर सी, क्या बी सी है जल्दी से बताओ फटाफट से, वो बोल रहा है सम बी आर सी, ठीक है, तो यहां पर वो बोल रहा है सम बी आर सी, क्या बी सी है क्या, नहीं है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, रॉन्ग कर दिया। अब मैं यहां पर भी चेक कर लेता हूं इसी के लिए, वो बोल रहा है सम बी आर सी, क्या सम बी आर सी, क्या कुछ बी सी है, बिल्कुल है, इस वाले डायग्राम में है, एक में रॉन्ग हो रहा है, एक में राइट हो रहा है, एक में भी रॉन्ग, तो क्या होगा, रॉन्ग होगा, समझ में आ गई बात, ठीक है। अगला चेक करते हैं, अब अगला चेक करते हैं, वो बोल रहा है सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट सी, अब देखना फ्रेंड्स यहां पर क्या बोल रहा है, सम बी आर नॉट सी, ठीक है, मैंने आइदर और के लिए ये केस दिखा था, लेकिन अब देखो यहां पर चेक करना भैया, आइदर और वहीं अप्लाई होगा जहां पर डाउट होगा, 100% श्योरिटी के केस में आप कभी भी आइदर और अप्लाई नहीं करोगे, और सबसे पहली चीज ही यही है कि इंडिविजुअली दोनों रॉन्ग होने चाहिए, जैसे ऊपर पहले रॉन्ग हुए थे फिर आइदर और अप्लाई हुआ इसके अंदर, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, पहला हमने चेक किया सम बी आर सी, इसमें रॉन्ग हो गया, ठीक है, सम बी आर सी, इसमें क्या हो गया, राइट हो गया, लेकिन अब सेकंड वाले कंक्लूजन को देखो क्या बोल रहा है, वो सम बी आर नॉट सी, कुछ बी सी नहीं है, तो ये चीज सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है फ्रेंड्स, ये चीज सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है, ये देखो आप, ये वाले बी देखो, ये बी देखना आप, ठीक है, इस बी को देखो, इस बी को देखो, ये बी जो ए का पोर्शन है ये वाला, ठीक है, क्या ये वाला बी कभी सी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, वो बोल रहा है सम बी आर नॉट सी, तो बिल्कुल ये वाले बी क्या कभी सी हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में दे दिया कि कोई भी ए सी नहीं है, नो ए आर सी, तो भैया ये वाला जो बी है वो कभी भी सी नहीं हो सकता, पूरा का पूरा बी सी हो सकता है, लेकिन ये वाला बी कभी भी सी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये वाला बी सी हो गया तो भैया हमारा जो स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, हमारा जो स्टेटमेंट गिवन है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, तो वो जो बोल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर सम बी आर नॉट सी, तो वो बिल्कुल सही बोल रहा है, ये वाले बी कभी भी सी नहीं हो सकते, तो इसके अंदर सेकंड वाला जो कंक्लूजन है वो क्या हो गया, राइट हो गया। अब इसमें चेक कर लेते हैं सम बी आर नॉट सी, वो बोल रहा है सम बी आर नॉट सी, बिल्कुल यहां पर बी तो सी है, पर ये वाले बी देखो आप फ्रेंड्स, इस वाले बी को देखना, सम बी आर नॉट सी, इन बी को देखना, क्या ये वाले बी कभी सी हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना भाई, वो बोल रहा है सम बी आर नॉट सी, ठीक है, तो वो 100% क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, यहां भी 100% क्या बोल रहा था, सही बोल रहा है, तो इस डायग्राम में भी सेकंड वाला जो कंक्लूजन है वो क्या हो गया, राइट हो गया फ्रेंड्स, ठीक है, सम बी आर नॉट सी बिल्कुल सही बोल रहा है। तो देखो अब इधर, इसमें भी राइट है, इसमें भी राइट है, दोनों में राइट है, अगर सब में राइट तो फिर क्या होगा, राइट होगा, लेकिन अगर एक में भी गलत तो क्या होता है, गलत होता है, तो इस वाले डायग्राम में भी राइट है, इस वाले डायग्राम में भी राइट है। तो अब एक बात बताओ फ्रेंड, सबसे पहले देखना, यहां दिया है एक पॉजिटिव स्टेटमेंट कुछ हैं, फिर दूसरी बार दिया है कुछ नहीं है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी सेम है, लेकिन पहले देखो क्या ये इंडिविजुअली रॉन्ग हुए, क्या इंडिविजुअल रॉन्ग ही नहीं हुए, जहां इंडिविजुअल रॉन्ग ही नहीं हुए हमें कोई डाउट ही नहीं है, हम इस कंक्लूजन में 100% श्योर हैं कि कुछ भी तो कभी भी सी नहीं हो सकते, और जहां डाउट ही नहीं है तो फिर वहां आइदर और कैसा, तो इस केस में आइदर और कहां लगा, ध्यान में आया कि नहीं आया, तो यहां आइदर और नहीं लगेगा, फर्स्ट वाला रॉन्ग है, सेकंड वाला राइट है, तो ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, ठीक है, ओनली सेकंड फॉलो, यहां आंसर क्या बनेगा, ओनली सेकंड फॉलो, ठीक है फ्रेंड, समझ में आई कि नहीं आई बात। फर्स्ट वाले में देखो कुछ है, कोई भी नहीं है, वहां दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग हो रहे थे, फिर हमने लास्ट में चेक किया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी सेम है, तो हमने आइदर और अप्लाई कर दिया, लेकिन इस क्वेश्चन में 100% श्योरिटी की कंडीशन है, तो भैया जहां पर 100% श्योरिटी होगी डाउट नहीं होगा, ठीक है, वहां पर आइदर और भी कभी भी अप्लाई नहीं होगा, 100% श्योरिटी के केस में कभी भी आइदर और अप्लाई नहीं होगा, इसलिए यहां पर फर्स्ट रॉन्ग सेकंड राइट, तो इसलिए सेकंड फॉलो, ठीक है, समझ में आ गया। चलो
अब देखते हैं इधर सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहां तो देखो इस क्वेश्चन के लिए दो डायग्राम बन रहे थे, ठीक है, दो डायग्राम बन रहे हैं फिर भी डाउट नहीं है। देखो यहां पर 100% श्योरिटी का केस था, इसलिए यहां पर क्या करा हमने, सेकंड फॉलो किया। हमेशा याद रख लेना, जब भी दो भले से दो डायग्राम बने, तीन डायग्राम बने, कितना भी बने, ठीक है, आप एक से ज्यादा अगर डायग्राम बन रहे हैं तो हमें लगता है कि हाँ यार यहाँ पर डाउट हो सकता है, नहीं, लेकिन 100% श्योरिटी के केस में कोई भी अगर डाउट नहीं है, 100% श्योरिटी के केस में आप कभी भी आइदर और अप्लाई नहीं करेंगे। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, इस वाले क्वेश्चन को, सेकेंड वाले क्वेश्चन को। इसने क्या है इस क्वेश्चन के अंदर देखना आप, इस क्वेश्चन के अंदर देखना आप, सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन, ऑल ए आर बी, वही डायग्राम है, ऑल ए आर बी, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है नो बी आर सी, कोई भी बी सी नहीं है, ठीक है। क्या आप इस डायग्राम के अलावा और कोई डायग्राम बना सकते हो इस क्वेश्चन के लिए? नहीं बना सकते ना फ्रेंड्स, ठीक है, आप और कोई डायग्राम भी नहीं बना सकते इस क्वेश्चन के लिए, आप और कोई डायग्राम नहीं बना सकते, ठीक है, यही डायग्राम बनेगा। इसके अलावा सी जहां कहीं भी बनेगा बाहर ही बनेगा, ठीक है, यानी एक इंडिविजुअल एक ही डायग्राम बनेगा। अब एक ही डायग्राम बनेगा और यही कंडीशन दे रखी है, ठीक है, क्या दे रखा है, कुछ बी सी है। कंक्लूजन चेक करते हैं, कुछ बी सी है, क्या बी सी हो सकते, सोचो आप, वो बोल रहा है कंक्लूजन में कुछ बी सी है, क्या बी सी है, नहीं है ना फ्रेंड्स, ठीक है, वो बोल रहा है कुछ बी सी है, ठीक है भैया 100% हम श्योर हैं, यहां पर हमें कोई डाउट नहीं, हम 100% श्योर हैं, ठीक है, 100% श्योर क्या है कि कुछ बी सी हैं, वो 100% क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, वो 100% क्या बोल रहा है, रॉन्ग बोल रहा है, वो बोल रहा है कुछ बी सी हैं, पर बी तो कभी भी सी नहीं हो सकते क्योंकि स्टेटमेंट में दे दिया कि कोई भी बी सी नहीं है, तो जब कोई भी बी सी नहीं है तो कुछ बी सी नहीं है भैया, पर वो तो बोल रहा है कुछ बी सी है, ये एक चीज क्या हो गई, गलत। नेक्स्ट वाला देखना आप, नेक्स्ट कंक्लूजन देखना, वो बोल रहा है कोई भी बी सी नहीं है, क्या बोला उसने, कोई भी बी सी नहीं है, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स यहां पर कोई भी बी सी नहीं है, हम 100% श्योर हैं, लेकिन अब देखना ये वाला देखना आप, इधर इसको देखना अब आप, ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, सेम आ रहा है, स्टेटमेंट क्या आ रहा है, सेम, नो बी आर सी, यहां पर गड़बड़ कर दी है इन्होंने, क्वेश्चन को सही कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ये क्वेश्चन बनना चाहिए था ए के लिए पर इन्होंने बी के लिए बना दिया है, ठीक है। देखना अब आप इधर इस क्वेश्चन को, रुको एक मिनट, इसको यहां पर क्या कर लो आप, बी की जगह क्या कर लो आप, ए कर लो, बी की जगह क्या कर लो, ए, बी की जगह ए कर लेना भाई यहां पर, है ना, यहां पर भी ए कर लेना और यहां पर भी क्या कर लेना, ए, ए कर लो यहां पर, सब जगह जहां भी बी है उसकी जगह क्या कर लोगे आप, ए कर लोगे, ठीक है। इसको देखते हैं अब, यहां पर ए है, ठीक है, यहां पर बी नहीं है, यहां पर क्या है, ए है, सब जगह आगे क्या है, ए है। चलो अब कंक्लूजन चेक करते हैं, ए के लिए चेक करना है हमको, ये बी के लिए इन्होंने लिख दिया गलती से, ठीक है, ए। अब देखो इधर क्या है, सम ए आर सी, वो बोल रहा है सम ए आर सी, क्या ए सी है, सम ए आर सी, वो बोल रहा है सम ए आर सी, भैया बी कभी भी सी नहीं हो सकता, तो बी के अंदर आने वाला जो पोर्शन है ए, वो भी कभी सी नहीं हो सकता, ठीक है, क्रॉस ही नहीं करेगा, अगर ए को आप सी में ले जाओगे तो बी भी सी में चला जाएगा, तो हमारी इस कंडीशन ही रॉन्ग हो जाएगी। इसलिए अगर उसने बोल दिया कि कोई भी बी सी नहीं है, तो बी के अंदर आने वाला जितना भी पोर्शन होगा वो भी कभी सी नहीं होगा, ठीक है, तो वो जो बोल रहा है ना कुछ ए सी है, वो जो बोल रहा है कुछ ए सी है, वो 100% क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, हम यहां पर 100% श्योर है। नेक्स्ट चेक करो, नेक्स्ट चेक करो, क्या बोल रहा है, कोई भी ए सी नहीं है, क्या बोला उसने, कोई भी ए सी नहीं है, तो सही तो बोल रहा है फ्रेंड्स, जब कोई भी बी सी नहीं है तो बी के अंदर आने वाला जो पोर्शन है ए, वो भी कभी सी नहीं हो सकता, तो वो यहां पर 100% क्या बोल रहा है, राइट बोल रहा है, एक ही डायग्राम में राइट बोल रहा है। अब भले से एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, फर्स्ट वाला रॉन्ग हो रहा है, सेकंड वाला तो लेकिन राइट हो रहा है ना, यहां पर तो 100% श्योरिटी की कंडीशन बन रही है। अब हमने रूल पढ़ा कि भैया कुछ है और कोई भी नहीं है, जब आता है तो आइदर और लगता है, लेकिन हम यहां पर डाउट में कहां है,
एक डायग्राम में कभी डाउट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, तो इसलिए ये कंडीशन क्या है, राइट हो गई। ठीक है, 100% श्योरिटी का जहां केस बनेगा वहां पर कंडीशन राइट हो जाएगी, और वहां पर फिर आइदर और नहीं बनेगा, जो ऑप्शन राइट होगा वही हमारा आंसर होगा। फर्स्ट कंक्लूजन रॉन्ग है, सेकंड कंक्लूजन राइट है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ओनली सेकंड फॉलो। क्या बनेगा? ओनली सेकंड फॉलो, सिर्फ दूसरा अनुसरण करता है। अब इस नीचे वाले कंक्लूजन को देखेंगे, क्वेश्चन यही है, अपने स्टेटमेंट यही है, और अब मुझे फॉलो करना है क्या इस कंक्लूजन को, इसको चेक करते हैं। सम बी, सम बी आर सी, कुछ बी सी हैं, ठीक है, अब इसके लिए चेक करते हैं भाई, इसके लिए चेक करते हैं, सम बी आर सी, सम बी आर सी, क्या बी सी है क्या? नहीं है, हम 100% श्योर हैं। वो बोल रहा है सम बी आर सी, पर भैया कोई भी बी सी नहीं है, तो वो 100% जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। सम बी आर सी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट चेक करो, सम बी आर नॉट सी, कुछ बी सी नहीं है, सम बी आर नॉट सी, बिल्कुल अगर कोई चीज पूरी है, सभी ए बी हैं, तो भैया कुछ ए बी बी हैं, ठीक है, लेकिन अगर सभी सभी ए बी नहीं है, तो कुछ ए बी बी नहीं है, ये भी बिल्कुल सही होगा। तो वो जो बोल रहा है कुछ बी सी नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहा है, कोई भी बी सी नहीं है, इसका मतलब कुछ बी बी सी नहीं है, यानी हम यहां पर भी 100% श्योर हैं। फर्स्ट वाला रॉन्ग, सेकंड वाला राइट, ठीक है, तो भैया राइट, एक रॉन्ग एक राइट, तो अब यहां पर आइदर और कैसे लगेगा, आइदर और की तो कंडीशन ही यही है कि इंडिविजुअल सबसे पहले क्या होने चाहिए भाई, गलत होने चाहिए, पर यहां पर गलत कहां हुआ, पहला वाला रॉन्ग हुआ, सेकेंड वाला राइट हुआ, इसलिए ओनली सेकेंड फॉलो, यहां पर भी सेकंड फॉलो बनेगा। तो फ्रेंड्स, ये आपको दो क्वेश्चन कराने का मेरा मेन मोटिव यही था कि आप अपनी समझ से क्वेश्चन को करो, रटना मत किसी भी चीज को कि यार हाँ यार ये रूल लिखा दिया कि कुछ है कोई भी नहीं है कि कंडीशन बन रही है तो हमेशा इधर और बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आपको 100% श्योरिटी के केस में इधर और अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, आप चाहो तो अपन एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहां पर, ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन, सम ए आर बी, सम ए आर बी, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या दिया है, नो बी आर सी, कोई भी बी सी नहीं है, ये कंडीशन बनी इस क्वेश्चन के लिए, क्या बनी, सम ए आर बी, नेक्स्ट बोल रहा है कोई भी बी सी नहीं है, नो बी आर सी, ठीक है। अब देखो इधर बाउंडेशन किस किस पर लग गई, बी और सी पर बाउंडेशन लग गई, बी सी में नहीं जा सकता, सी बी में नहीं जा सकता, लेकिन इस ए को देखो, आप इस ए वाले को देखो, ये ए वाले पर तो कोई बाउंडेशन नहीं है, तो अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे बनाऊं, सम ए आर बी, ठीक है, सम ए आर बी इस तरीके से, और नेक्स्ट बोल रहा है नो बी आर सी, कोई भी बी सी नहीं है, बी वाला पोर्शन सी में नहीं जाना चाहिए, पर भैया अगर सी ए हो गया तो हमारे स्टेटमेंट पर कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है। देखो आप इधर क्या फर्क पड़ रहा है, कोई स्टेटमेंट पे, स्टेटमेंट हमारे अभी भी राइट है, वो बोल रहा है कुछ ए बी हैं, बिल्कुल कुछ ए बी हैं, इसमें भी है। नेक्स्ट, कोई भी बी सी नहीं है, बिल्कुल कोई भी बी सी नहीं है, कोई भी बी सी नहीं है, भले से सी यहां पर ए हो गया पर हमारा स्टेटमेंट तो रॉन्ग नहीं हुआ, यानी इस स्टेटमेंट के लिए हमारे एक से ज्यादा डायग्राम बन रहे हैं। ठीक है, अब कंक्लूजन चेक करते हैं भाई, क्या बोला उसने, कुछ ए सी हैं, सम ए आर सी, ठीक है, क्या ए सी है क्या इस डायग्राम में, इस डायग्राम में देखो आप ऊपर वाले में, वो बोल रहा है सम ए आर सी, क्या ए सी है, नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, तो पहला वाला क्या हो गया इसमें, रॉन्ग। इसमें चेक करो, सम ए आर सी, क्या ए सी है, बिल्कुल है इसमें, तो इसमें पहला वाला क्या हो गया, राइट, एक में रॉन्ग एक में राइट, तो भैया एक में भी रॉन्ग, तो भैया वो कंक्लूजन हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले पर चलते हैं, नेक्स्ट क्या बोला, नो ए आर सी, कोई भी ए सी नहीं है, तो वो इस डायग्राम में तो सही हो गया, लेकिन इस डायग्राम में देखो क्या बोल रहा है, कोई भी ए सी नहीं है, तो बिल्कुल सही तो बोल रहा है, सॉरी कोई भी ए सी नहीं है, तो क्या वो सही बोल रहा है, नहीं बोल रहा ना, इसमें तो ए सी है, ठीक है, वो बोल रहा है कोई भी ए सी नहीं है, तो भैया इस डायग्राम में तो ए को हमने सी बना रखा है,
पर वो तो बोल रहा है कोई भी ए सी नहीं है, तो वो 100% क्या बोल रहा है यहाँ पे, गलत बोल रहा है। तो वही देखो, एक में राइट एक में रॉन्ग, तो ये भी इंडिविजुअली क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब आप देखो यहां पर कंडीशन देखो, सम नो, कुछ है कोई भी नहीं है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी सेम है। तो फ्रेंड्स यहां पर नाइदर नोर अप्लाई ना होकर क्या अप्लाई होगा हमें अब पता नहीं लग रहा। एक बार बोल रहा है कुछ ए सी है, दूसरी बार बोल रहा है कोई भी ए सी नहीं है, तो या तो वो चीज होगी या फिर वो चीज नहीं होगी, तो ये आइदर ओर का केस बनेगा, यानी ये भी आइदर ओर की कंडीशन बनेगी, या वाली स्थिति बनेगी, या तो पहला सही होगा या फिर दूसरा सही होगा। चलो फटाफट से हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है। अब इस कंक्लूजन के लिए देखो, सम और सम नोट का केस दिया है उसने, क्या केस दिया है, सम और सम नोट का। तो चेक करते हैं, सम ए आर सी यहां पर चेक कर रहा हूं भाई मैं, ठीक है। इसके लिए फर्स्ट कंक्लूजन अपन चेक करते हैं, नीचे वाला सेकंड जो कंक्लूजन है इसी स्टेटमेंट के लिए मैंने अब ये कंक्लूजन दिए हैं, इनको चेक करते हैं। सम ए आर सी कुछ ए सी हैं, तो चेक करो भाई इसके अंदर, फर्स्ट चेक करो जल्दी से, सम ए आर सी क्या ए सी हैं इसमें, नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो गया, रॉन्ग। फर्स्ट वाला क्या हो गया, रॉन्ग, ठीक है। अभी फिलहाल नहीं कर रहा इसको मैं, अभी पहले देखूंगा मैं, ठीक है, चेक कर लेता हूं, ठीक है। उसने बोला सम ए आर सी, तो इसमें तो रॉन्ग है, इसमें चेक करो, सम ए आर सी बिल्कुल, इसमें क्या है, इसमें राइट है, एक में रॉन्ग एक में राइट, अगर एक में रॉन्ग है एक में राइट है तो ये क्या होगा, रॉन्ग होगा, ठीक है, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखो, अब इधर कुछ ए सी नहीं है, क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, ढंग से देखना, फिर से बोल रहा है वो, कुछ ए सी नहीं है, सम ए आर नोट सी, ठीक है। तो यहां पर देखो वापिस से, यहां पर देखो ये वाले जो ए हैं वो किसके अंदर आ रहे हैं, बी के अंदर आ रहे भाई, क्या ये वाले ए कभी सी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते ना, क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में उसने दे दिया कोई भी बी सी नहीं है, तो बी के साथ कॉमन आने वाला ये जो पोर्शन है, क्या ये वाला पोर्शन जो बी का भी कॉमन पोर्शन है, ए और बी का जो कॉमन पोर्शन है, क्या वो कभी सी हो सकता है, नहीं हो सकता। और वो बोले जा रहे हैं यहां पर कि भैया कुछ ए सी नहीं है, तो वो सही तो बोल रहा है, ये वाले ए कभी भी सी नहीं हो सकते भाई, ये वाले ए कभी भी सी नहीं हो सकते, बिल्कुल सही बोल रहा है। तो सेम कंडीशन यहां भी अप्लाई करेगी कि पूरा का पूरा ए तो सी हो सकता है, लेकिन भैया ये ए और बी का जो कॉमन पोर्शन है ना, ए और बी का जो कॉमन पोर्शन है, क्योंकि बी सी नहीं है, तो ए और बी का ये जो कॉमन पोर्शन है ये कभी भी सी नहीं हो सकता। तो यहां पर भी ये कंडीशन क्या हो रही है, राइट हो रही है, ठीक है। तो वो जो बोल रहा है ना कुछ ए सी नहीं है, तो बिल्कुल ये वाले ए कभी भी सी नहीं हो सकते, ये वाले ए कभी भी सी नहीं हो सकते, तो दोनों केस में राइट है। अगर दोनों केस में राइट है तो फिर डाउट कहां रहा, यानी सभी कंडीशंस में उसने फॉलो कर लिया, तो ये 100% राइट हो गया, ये रॉन्ग है ये राइट है, और आइदर ओर अब यहां पर अप्लाई नहीं होगा। आइदर ओर तभी अप्लाई हो सकता है जब इंडिविजुअल दोनों रॉन्ग होनी चाहिए, पर यहां पर ये क्या हो गई, राइट हो गई, इसलिए फर्स्ट रॉन्ग है सेकंड राइट है, तो यहां भी आइदर ओर अप्लाई नहीं हुआ, यानी सेकंड फॉलो करेगा ओनली, ठीक है। इसमें भी क्या फॉलो करेगा, सेकंड फॉलो, ठीक है। इसके अंदर आइदर ओर, इसमें तो आइदर ओर लगेगा पर इसमें आइदर ओर नहीं लग रहा, तो फ्रेंड्स ध्यान में रखना आप लोग हमेशा, आइदर ओर सब जगह अप्लाई नहीं होता है, 100% श्योरिटी के केस में कभी भी आइदर ओर, 100% श्योरिटी के केस में कभी भी आइदर ओर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया, ओके फटाफट से अगर समझ में आ गया जल्दी से भैया कमेंट करके बता दो, फिर आगे भी चलेंगे अपन जल्दी से, ठीक है। सब्सक्राइब करो फटाफट से, शेयर करो, क्योंकि अब आने वाला पोर्शन बहुत ही तगड़ा वाला पोर्शन होगा, अपन पॉसिबिलिटी का केस पढ़ने वाले हैं जिसमें सबसे ज्यादा डाउट होता है हम लोगों को, ठीक है। सबसे पहले अब संभावना पॉसिबिलिटी का केस पढ़ेंगे भाई आज, इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम थी ना पॉसिबिलिटी में, आज पॉसिबिलिटी ही डिस्कस करेंगे सबसे पहले। जल्दी से फटाफट से शेयर कर लो आप लोग इस चीज को जल्दी से, ठीक है। सबको इन्वाइट कर लो, जल्दी आ जाए सब फटाफट से। जिस किसी को भी, ठीक है भैया, पीडीएफ नहीं मिली है ना, वो वाईफाई स्टडी की ऐप पर जाकर डाउनलोड कर ले, ठीक है। सेशन से रिलेटेड पीडीएफ आपको मिल जाएगी वहां पर, ओके। चलें भाई, ठीक है, स्टार्ट करते हैं पॉसिबिलिटी का केस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, पॉसिबिलिटी वर्ड लिख कर दे देता है वो, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है हमें, ठीक है। चलो देखते हैं इसको। अब पॉसिबिलिटी का रूल क्या है फ्रेंड्स, अब पॉसिबिलिटी थोड़ा दिमाग में सोच के देखो आप, ठीक है। संभावना, संभावना वर्ड, पॉसिबिलिटी जो वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है,
ठीक है, चीज हो भी सकती है, चीज नहीं भी हो सकती है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अगर सारे डायग्राम जो भी आपने बनाया क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है, या जो भी आपने सीखा, जितने भी आपने इमेजिनेशन कर सकते हो, अगर वो सब में फॉलो कर रहा था तो वो राइट था। लेकिन फ्रेंड्स पॉसिबिलिटी के केस में ऐसा नहीं है। मैं आपको डायरेक्टली एक चीज बताता हूं, पॉसिबिलिटी देखो कहां हो सकती है, क्या 100% श्योरिटी के केस में पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है क्या, यहां पे कुछ सोच के देखो एक बार, क्या 100% श्योरिटी के केस में पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। क्यों नहीं हो सकती? मैंने बोल दिया सभी ए बी हैं। मैंने क्या बोल दिया? मैंने बोल दिया सभी ए बी हैं, ऑल ए आर बी, ठीक है, ये मैंने बोल दिया कि सारे के सारे ए क्या हैं, बी हैं, इस तरीके से ये मैंने बोल दिया, ठीक है, सारे के सारे ए क्या हैं, बी हैं। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि सभी ए के बी होने की संभावना है, All ARB is being possible, अगर मैं बोलूं तो क्या ये मेरा जो स्टेटमेंट होगा जो मैंने बोला है वो फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? जल्दी से बस मेरे को एक बार जवाब दो फटाफट से, ठीक है। मैंने बोला सारे के सारे A क्या हैं, B हैं, मैंने स्टेटमेंट दे दिया All ARB, और अब मैं पूछ रहा हूं All ARB is being possible, क्या सारे के सारे A के B होने की संभावना है, तो ये होगा या नहीं होगा? ठीक है, फटाफट से जवाब दो मुझे, सभी ए के बी होने की संभावना है। जो लोग लेट आए हैं, जिन्होंने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, उनको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है, ठीक है, आप लोग आराम से जाकर वहां से देख सकते हो, वन बाय वन जितने भी वीडियोस हैं टॉपिक से रिलेटेड वो आप सारे देख सकते हो, ठीक है। मेरे को सिर्फ यस मतलब फॉलो करेगा या फॉलो नहीं करेगा, यानी कि आप यस और नो में आंसर दो, यस और नो, अगर फॉलो करेगा तो यस, अगर फॉलो नहीं कर रहा तो नो बोलो। फॉलो करेगा, फॉलो करेगा, फॉलो नहीं करेगा, नो 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 नो, फॉलो, यस 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 यस, यस नो यस नो, ये चल रहा है आपका, ठीक है। चलो इधर देखो, अब इधर अरे खुद सोच के देखो ना, वर्ड की इंपॉर्टेंस को समझो, क्या बोल रहा है, पॉसिबिलिटी। भैया पॉसिबिलिटी का मतलब हम 100% श्योर थोड़ी हुए, पॉसिबिलिटी का मतलब क्या 100% श्योर हुए क्या? नहीं ना, यानी जितनी संभावना हाँ की है उतनी संभावना ना की भी हो गई, ठीक है। तो एक बात बताओ, कोई चीज अगर पूरी दे दी उसने, उसने ऑलरेडी दे दिया, हमें गिवन स्टेटमेंट में दे दिया ऑल ए आर बी, उसने खुद ने दे दिया, ठीक है, तो जो चीज पूरी हमें दे रखी है हम उसके लिए पॉसिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? अब देखो यही तो चीज इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले रूल देखते हैं हम, यहां पर सबसे पहले रूल समझते हैं भाई, ये चीज देखो। अब चलो देखो, ठीक है, दिख रहा है भाई सभी को अच्छे से? अब समझना इधर आप, ठीक है, पॉसिबिलिटी का केस कहां कहां पर अप्लाई होगा और कहां कहां पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका, ठीक है, अगर आपका कंक्लूजन 100% श्योर है, आप उसमें श्योरिटी रखते हो, ठीक है, आपका अगर कंक्लूजन 100% फॉलो कर रहा है, इट मींस पॉसिबिलिटी कैन हैपन, ठीक है। अगर यूं मान लो, सॉरी, जैसे उसने बोला, मैं आपको एक एग्जांपल के फॉर्म पे समझाता हूं, ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया यहां पर, यहां समझना आप, जैसे देखना अभी तक, ठीक है, ये मैंने बोल दिया सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, मैंने क्या बोल दिया, सम ए आर बी बी हैं। अब मैं बोल रहा हूं कुछ ए के बी होने की संभावना है, सम ए आर बी इज बीइंग पॉसिबल, अरे भैया ठीक है, यहां पर हम 100% श्योर हैं, यहां पर 100% श्योर है ना, तो जब 100% श्योर हैं तो फिर पॉसिबिलिटी में क्यों ले रहे हैं, पॉसिबिलिटी का मतलब तो ये हो गया। या फिर एक कंडीशन और देखो, मैं आपको और अच्छे से डिटेल में समझाऊं, आपको इजी वे में समझ में आएगा। जैसे मैंने ये ले लिया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी, ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए किसके अंदर ले लिए, बी के अंदर ले लिए, और अब मैं बोल रहा हूं ऑल ए आर बी इज बीइंग पॉसिबल, तो इसको अभी आपने, आधे लोगों ने हाँ बोला, आधे लोगों ने ना बोला, आप 100% श्योर हो कि नहीं हो मुझे ये बता दो। मैंने जैसे बोला ऑल ए आर बी, सारे ए किसके अंदर आ गए, बी के अंदर।
अब मैं बोल रहा हूं ऑल ए आर बी इज बीइंग पॉसिबल, क्या ए के बी होने की संभावना है? दिख रहा है डायग्राम में तो मुझे दिख रहा है कि सारे के सारे ए बी के अंदर हैं, इसका मतलब पॉसिबिलिटी भी हो गई। अरे भैया यही तो चीज समझने की है कि जहां पर हम 100% श्योर हो गए, सेकंड वाला देखना, सेकंड वाला आप देखना रूल, सेकंड वाले रूल को पढ़ना कि अगर जहां पर 100% श्योर हो गए, सत्य हो गए, वहां संभावना की स्थिति कभी भी लागू नहीं होती है। इट मींस 100% श्योरिटी के केस में आप पॉसिबिलिटी नहीं अप्लाई कर सकते, पॉसिबिलिटी कांट हैपन, ठीक है। लेकिन अगर आप 100% श्योर नहीं है तो आप वहां पर पॉसिबिलिटी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 100% श्योर नहीं है तो वहां पर आप पॉसिबिलिटी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप मैं को डायरेक्टली अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, बिना रूल याद करे हुए अगर मेरे को डायरेक्टली चीज समझनी है तो सीधी सीधी सी बात है, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन स्टेटमेंट है ना, गिवन स्टेटमेंट में अगर उसने पॉसिबिलिटी दे दी, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगा? रॉन्ग होगा। इतना सा याद रख लो बस आप, तो ठीक है, गिवन स्टेटमेंट जो होगा उसके अंदर पॉसिबिलिटी अप्लाई नहीं होगी। रूल वापिस से देख लेंगे, 100% श्योरिटी के साथ अगर कंक्लूजन फॉलो कर रहा है तो वहां पर पॉसिबिलिटी अप्लाई नहीं होगी। लेकिन जहां पर कंक्लूजन 100% फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, हमें उसके बारे में अगर पता नहीं है कंक्लूजन के बारे में, तो वहां पर पॉसिबिलिटी अप्लाई होगी, ठीक है। पॉसिबिलिटी के केस में अगर एक भी डायग्राम बन गया तो वो फॉलो करेगा, लेकिन अगर गिवन स्टेटमेंट में अगर आपने वही जैसे रीस्टेटमेंट रॉन्ग होता है, ठीक है, गिवन रीस्टेटमेंट अगर आपका सीधा का सीधा कंक्लूजन में दिखाई दे रहा है वो रॉन्ग होता है, तो इसी तरीके से अगर आपके गिवन स्टेटमेंट में आपने पॉसिबिलिटी अप्लाई कर दी तो वो भी हमेशा क्या होगी? रॉन्ग होगी। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखना, आप समझना इस क्वेश्चन को, क्या बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर, ऑल ए आर बी। इस क्वेश्चन से आपके सारे डाउट्स जो हैं वो एक बार में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने स्टेटमेंट दिए, ठीक है, दो आपको कथन दिए और चार आपको मैंने कंक्लूजन दिए, निष्कर्ष दिए। तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट के लिए डायग्राम बनाता हूं, क्या बोल रहा है? ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला उसने? सम बी आर सी, सम बी आर सी। देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सबसे पहले तो हमें दिख गया कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, कथन जो दिए गए हैं वो सकारात्मक हैं और यहां पर किसी पर भी कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी पर भी कोई बाउंडेशन नहीं है का सीधा सीधा सा मतलब क्या हो गया कि एक से ज्यादा डायग्राम बन सकते हैं, सारे के सारे ए मैं के सी में भी लेके जा सकता हूं, बी में भी, ये सारे एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं। हमेशा याद रख लेना, अगर किसी पर बाउंडेशन नहीं है तो वो घूम फिरकर कहीं भी बनाया जा सकता है, यानी ए बी सी सारे एक दूसरे में बन जाएंगे तो भी हमारा कंक्लूजन रॉन्ग नहीं हो, सॉरी हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं होगा। जैसे अगर मैं ये बनाऊं, ठीक है, ये मैंने बना दिया इस तरीके से डायग्राम, ऑल ए आर बी, ठीक है, सम बी आर सी। अब भले से ए भी हो गया, बी भी हो गया, सारा मिक्स हो गया, ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग थोड़ी हो रहा है। अगर आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं तो एक चीज ध्यान देना फ्रेंड्स, आपका अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कोई बाउंडेशन नहीं है, तो एक से ज्यादा डायग्राम आप बना सकते हो, ये सारे एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं, ठीक है। चलो चेक करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट अपन कंक्लूजन चेक करेंगे, क्या बोल रहा है? सभी बी के ए होने की संभावना है, क्या बोल रहा है? सभी बी के ए होने की संभावना है, तो चेक करो आप, क्या सारे के सारे बी ए हो सकते हैं? क्या सभी बी के ए होने की संभावना है? वो ये बोल रहा है सभी बी के ए होने की संभावना है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है भाई? ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट डे क्वेश्चन समझाया था, याद है, उसके अंदर मैंने ए बी सी की बाउंड्री सेम करी थी। तो देखो इधर, अगर मैं ये जितने भी हैं, ठीक है, मैंने मान लो ये डायग्राम बनाया है, मैंने ये डायग्राम बनाया मान लो, अब आप चेक करो क्या इस डायग्राम में आपका कंक्लूजन रॉन्ग हो रहा है? क्या इस डायग्राम के अंदर क्या आपका कंक्लूजन रॉन्ग हो रहा है, सॉरी स्टेटमेंट रॉन्ग हो रहा है? चेक करो क्या आपका इस डायग्राम में स्टेटमेंट रॉन्ग हो रहा है? सभी ए बी हैं भाई, सारे के सारे ए क्या हैं? बी हैं, सभी ए बी हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? कुछ बी सी हैं, कुछ बी क्या है? सी है, ठीक है। तो अगर मैं इस सी को मैं बी के अंदर ही ले लिया, उसकी बाउंड्री भी सेम कर दी, पूरे के पूरे बी सी में ले लिए,
तो कुछ बी तो सी हो गए ना, यानी यहां पर भी राइट है, यानी डायग्राम ये भी बन सकता है। अब देखो संभावना का केस क्या होता है, यहां पर रूल सुन लेना फटाफट से, संभावना का केस क्या होता है। अगर पॉसिबिलिटी के केस में एक डायग्राम भी आपका बन गया, जितने भी आप माइंड में सोच सकते हो, ठीक है, अगर एक भी डायग्राम ऐसा बन गया जिसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन सेट हो गया, तो वो हमेशा क्या होगा, राइट होगा। वो बोल रहा है सभी बी के ए होने की संभावना है, तो बिल्कुल है, ये एक केस मैंने ऐसा बना दिया, या मैं और भी डायग्राम बना सकता हूं। देखो वो बोल रहा है बस क्या होने चाहिए, सभी बी ए होने चाहिए, ठीक है, मैंने इनकी बाउंड्री सेम कर दी, ए और बी दोनों की बाउंड्री तो सेम कर दी, और वो बोल रहा है सम बी आर सी ये मैंने बना दिया, तो स्टेटमेंट तो मेरा कोई भी रॉन्ग नहीं हो रहा, इसमें भी फॉलो हो रहा है, इसमें भी फॉलो हो रहा है, इसमें भी फॉलो हो रहा है, इसमें फॉलो नहीं हो रहा था, तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो कोई सा भी एक डायग्राम चाहिए। पॉसिबिलिटी के केस में अगर एक भी डायग्राम बन गया और फॉलो कर लिया, तो फिर वो क्या होता है, राइट होता है। लेकिन अगर जहां पर पॉसिबिलिटी नहीं दिया है, तो फिर तो अपन को ओवरऑल सब में चेक करना पड़ता है, अगर सारे डायग्रामों में फॉलो करेगा तो फॉलो करेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी के केस में एक भी डायग्राम में अगर फॉलो किया तो वो क्या होगा, राइट होगा। ये राइट हो गया, ठीक है। अब सेकेंड वाला चेक करते हैं, क्या बोल रहा है, सभी सी के ए होने की संभावना है, क्या बोल रहा है, सभी सी के ए होने की संभावना है, ठीक है, ऑल सी आर बी इज बीइंग पॉसिबल, सभी सी के, यहां पे इसने सम लिखा हुआ है, यहां पे ऑल लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, यहां पे एक सही कर लेना, ठीक है, इसने लिखा हुआ है सभी सी के ए होने की संभावना है, ऑल सी, इसको सही कर लेंगे अपन, इसको सही कर लेंगे यहां पर, ठीक है, यहां पर लिखेंगे ऑल सी आर ए इज बीइंग पॉसिबल, ठीक है, इसको ऐसे कर लेंगे, सभी सी के ए होने की संभावना है, बिल्कुल सेम, देखो आप इसके अंदर देखना, इसमें तो फॉलो नहीं कर रहा, सारे सी ए के अंदर नहीं है इस डायग्राम में, इस डायग्राम में भी सारे ए सी के अंदर नहीं है, इन दोनों में तो रॉन्ग हो रहा है, लेकिन ये एक डायग्राम तो ऐसा बन रहा है ना कि अगर मैं सी को पूरा का पूरा इसके अंदर ले लिया मैंने, तो इसमें फॉलो कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी के केस में अगर एक में भी फॉलो करेगा तो वो क्या होगा, फॉलो करेगा, तो ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है। अब इसको देखते हैं, इट इज पॉसिबल डेट ऑल ए आर बी, इट इज पॉसिबल डेट ऑल ए आर बी, सभी ए के ए होने की, सभी ए के बी होने की संभावना है, अब वो ये बोल रहा है। अब देखो फ्रेंड्स, सारे के सारे ए भले से मेरे को बी के अंदर दिख रहे हैं, इस वाले डायग्राम में भी सारे के सारे ए, ए और बी की बाउंड्री सेम है, तो सारे अंदर दिख रहे हैं, इसमें भी सारे के सारे ए बी में दिख रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स ध्यान दे देना यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज में, अब यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, सबसे देखना इधर, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस चीज को देखना, आप इस वाली चीज को देखना, ये हमें गिवन स्टेटमेंट था, ऑल ए आर बी ये हमें ऑलरेडी दे रखा था, यानी हम 100% श्योर थे कि ऑल ए आर बी ये मुझे दे रखा है, हम 100% श्योर हैं। तो भैया अगर वो उसी के लिए पॉसिबिलिटी बोल रहा है, तो पॉसिबिलिटी का मतलब तो ये होता है कि नहीं है, कुछ हो, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी का मतलब ही क्या हुआ, वो होगा या फिर वो नहीं होगा, दोनों चीजें फॉलो करता है। जहां पर हम 100% श्योर हैं, हम 100% श्योर हैं कि ऑल ए आर बी गिवन है, तो अब हम उसी में पॉसिबिलिटी चेक करवा रहे हैं, ऑल ए आर बी इज बीइंग पॉसिबल, ठीक है, इट इज पॉसिबल डेट ऑल ए आर बी, अब वो इसी में पॉसिबिलिटी चेक करा रहा है, तो ये चीज समझने वाली है फ्रेंड्स, ठीक है, ये चीज समझने वाली है कि जहां पर 100% श्योरिटी है वहां पर अगर पॉसिबिलिटी चेक करा दी तो वो हमेशा क्या होगा, रॉन्ग होगा। या सीधी सीधी भाषा में अगर मैं एक बात बोलूं, ठीक है, सीधी सीधी भाषा में एक बात बोलूं, तो ये लास्ट में एक लाइन लिख के दिए मैंने आपको, आप इस लाइन को देखना क्या लिखा हुआ है, यदि सीधा संबंध दिया हुआ है तो संभावना कभी भी लागू नहीं होगी, यानी इनडायरेक्ट रिलेशन अगर गिवन दे रखा है आपको एज अ टीज, अगर स्टेटमेंट में जैसी कि जैसी लाइन लिखी हुई है अगर उसी में पॉसिबिलिटी अगर वो पूछ रहा है तो आप डायरेक्टली रोंग करोगे, ठीक है, आप उसको डायरेक्टली रोंग करोगे, क्योंकि 100% श्योरिटी के केस में पॉसिबिलिटी अप्लाई नहीं होगी, ठीक है, हम 100% श्योर हैं कि भैया ऑल ए आर बी है, तो उसमें पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होगी, रॉन्ग होगी, तो सेकंड वाला रॉन्ग, सॉरी थर्ड वाला रॉन्ग।
फर्स्ट और सेकंड राइट है। नेक्स्ट देखेंगे, इट इज पॉसिबल डेट सम सी आर ए, अब वो चेक करवा रहा है, इट इज पॉसिबल डेट सम सी आर ए, क्या कुछ सी ए है, अब वो चेक करा रहा है कुछ सी ए है, बिल्कुल है, इसमें तो नहीं है पर इसमें है, ठीक है, कुछ सी ए है इसके अंदर तो है, इसमें फॉलो कर रहा है, इसमें भी फॉलो कर रहा है, तो हमें तो एक ही डायग्राम चाहिए, एक ही केस चाहिए, पॉसिबिलिटी के केस में अगर एक भी डायग्राम बन गया तो वो फॉलो करेगा, तो इसमें क्या हो गया, राइट हो गया। सिर्फ 100% श्योरिटी या फिर जैसा का जैसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अगर वैसा का वैसा उसने कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी चेक करवा ली, उसमें 100% श्योरिटी के केस में पॉसिबिलिटी अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, अब अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट। आ गई होगी अब तो बात समझ में, अभी भी किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ओके चलो ठीक है, सभी के आ गई समझ में, चलो अगला क्वेश्चन। भैया ये सिलोज्म का लेवल, रियल लेवल, अगर जब आप बोल रहे हो ना कि ये चीजें अगर समझ में नहीं आई ना अगर आपको, ठीक है, तो आपको फिर आप ये मत सोचो कि आप कभी इस चैप्टर को सीख सकते हो, आपको वन बाय वन वीडियो देखो आप, ठीक है, उसके बाद समझो, फिर कोई डाउट है तो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल भी होगी इसी की क्लास लूंगा सिलोज्म की, और सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराऊंगा, आज पॉसिबिलिटी का केस भी खत्म हो गया आपके सामने, ठीक है, आप फन फिर देख लेते हैं इसको, क्वेश्चन एक और करेंगे, तीन चार क्वेश्चन करते हैं, जल्दी जल्दी से समझ में आएगा आपको, ठीक है। क्या दे रहा है, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी फटाफट से बनाया हमने, ठीक है, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी ये डायग्राम बनाया, फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, सम बी आर सी ये बना दिया भैया, सम बी आर सी ये बना दिया, ठीक है। अब देखो चेक करते हैं इसी के लिए, क्या बोल रहा है वो, सभी ए के सी होने की संभावना है, आपको तो जो पॉसिबिलिटी बोल रहा है ना वो बना दो, सभी सी को ए में बना दो अगर वो बोल रहा है तो, ठीक है। सो आपके पास क्या था, सभी ए बी है और उसके हिसाब से बना दिया हमने तो, ठीक है, सभी ए के सी होने की संभावना है, सारे के सारे ए को किसके अंदर बना दिया, सी के अंदर बना दिया मान लो, ठीक है, ये बना दिया मैंने, सारे के सारे ए बी हैं और उसने बोला था कुछ बी सी हैं, पर मैंने तो इस कंक्लूजन के अकॉर्डिंग मैंने एक डायग्राम बना दिया, ठीक है, ए बी सी तीनों एक दूसरे के अंदर ले लिए, थोड़ा और ढंग से बना देता हूँ छोटा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये मैंने इसका केस, उसके अकॉर्डिंग मैंने तो केस बना दिया, और फिर मैं बाद में चेक कर लूंगा कि क्या मेरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो रहा है क्या, ए बी और सी तीनों बना दिए भाई मैंने, ठीक है। अब चेक करो क्या इस वाले डायग्राम में हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो रहा है क्या, सभी ए बी हैं, बिल्कुल, सारे के सारे ए क्या हैं, बी हैं। नेक्स्ट वो बोल रहा है कुछ बी सी हैं, मैं हाइड करना, सभी ए बी हैं, सभी ए क्या हैं, बी हैं। नेक्स्ट कुछ बी क्या हैं, सी हैं, कुछ बी सी हैं, बिल्कुल, मैंने सारे के सारे बी सी में बना दिए, मैंने सारे के सारे बी सी में बना दिए, अगर सारे के सारे बी सी में बना दिए तो कुछ बी तो वैसे ही सी होंगे ना फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम क्या है, डायग्राम क्या है ये, राइट है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये वाला डायग्राम भी क्या है, राइट है, ठीक है। अब देखो इधर इस वाले केस के अंदर तो सारे के सारे, मैम रिमूव, इस वाले केस के अंदर तो सारे के सारे ए जो हैं वो क्या हैं, सी के अंदर नहीं है, लेकिन इस वाले केस में, इसमें तो नहीं है पर इसमें है, और हमें पॉसिबिलिटी के केस में सिर्फ इतना सा चेक करना है, एक भी फॉलो करेगा, एक भी डायग्राम फॉलो करेगा तो वो क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं, कोई भी बी, कोई भी सी बी न होने की संभावना है, ठीक है, नो सी आर बी इज बीइंग पॉसिबल, वो ये बोल रहा है, ठीक है, नो सी आर बी इज पॉसिबिलिटी, ये चेक करनी है, कोई भी सी बी, कोई भी सी के बी न होने की संभावना, ऐसी बोल रहा है वो, ठीक है। वापिस देख लो, ढंग से देख लो इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है वो, कोई भी सी के बी न होने की संभावना चेक करनी है, यानी कोई भी सी बी न हो। अब आप देखो इधर, इसने ऑलरेडी हमें दे दिया था क्वेश्चन में, क्या दे दिया था कि भैया कुछ बी तो सी हैं, तो हम जितने भी डायग्राम लेंगे कुछ बी तो सी बनाने ही पड़ेंगे ना भाई, स्टेटमेंट अगर ट्रू रखना है तो कुछ बी सी हैं ये तो बनाना पड़ेगा, लेकिन वो इसमें बोल रहा है कंक्लूजन के अंदर चेक करवा रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है क्या कि कोई भी सी बी ना हो, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी सी बी ना हो, ठीक है, हो ही नहीं सकता, अगर ऐसा हो गया तो हमारा गिवन स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, तो एक भी डायग्राम ऐसा नहीं बना सकते आप, ठीक है,
अगर आपने बी और सी को अलग अलग बना दिया तो वो जो कंडीशन बोल रहा है कुछ बी सी हैं वो क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। इसलिए जरूरी नहीं है कि आप पॉसिबिलिटी के केस में हमेशा डायग्राम बने, ठीक है। ये वो कंक्लूजन है जो आपको कर यहां पे याद रखना है कि जरूरी नहीं है कि हर बार आपकी पॉसिबिलिटी सही हो, ठीक है, एक डायग्राम ही बने। ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि आपका एक भी डायग्राम फॉलो नहीं हो रहा हो, ठीक है। जैसे अब देखना, ये फर्स्ट वाला राइट हो गया, सेकेंड वाला रॉन्ग हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आया कि नहीं आया आपको, ये क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से, क्लियर है। चलो अब देखना इधर, अब इस क्वेश्चन को देखना। अब यहां पर एक बार फिर से समझा देता हूं मैं इसी क्वेश्चन को। उसने बोला सभी ए के सी होने की संभावना है, बिल्कुल है, ये डायग्राम बन गया, इसमें फॉलो कर रहा है। और अब वो इसमें बोल रहा है कोई भी सी बी नहीं है, ठीक है, कोई किसी भी बी के सी न होने की संभावना चेक करनी है कि ऐसा हो जाए कि बी और सी अलग अलग हो जाए। अगर बी और सी को आपने अलग अलग बना दिया तो स्टेटमेंट में उसने बोला है कुछ बी सी हैं, है ना, बोला है ना कुछ भी सी हैं, तो भैया बी तो सी हमेशा ही बनेगा, सी बी हमेशा ही बनेगा, तो फिर ऐसी संभावना भी कभी नहीं होगी। इसलिए ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फर्स्ट वाला राइट, सेकेंड वाला रॉन्ग, आंसर क्या आएगा, ए, ठीक है, ओनली फर्स्ट फॉलो, क्लियर है। आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वाईफाई स्टडी की ऐप से डाउनलोड कर लो। इसके अलावा वीडियोस, अगर आपने यहाँ पर अगर आपको दिक्कत आ रही है, नई आप ज्वाइन कराया भी आपने, ठीक है, तो आप लोग पूरे के पूरे वीडियो आपको प्लेलिस्ट बनाकर दी हुई है, आप वहाँ पर जाके भी चेक कर सकते हो। कल हम लोग इसके आगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, सारे रूल्स वगैरह जितने भी देखने हैं अभी तक के वीडियोस वगैरह में देख लेना, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे कल हम लोग, ठीक है। एक चीज और, आपको हमने बता ही दिया गया टीचर लक्ष्य में, आपको बताया था मैंने अभी कि हमें आप लोग जितने भी हैं क्या करना है, आप लोगों को पता है ना, नहीं पता, सबसे पहले तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो। सेकंड थिंग ये है कि भैया टीचर्स डे के उपलक्ष में आपको जितने भी ऑल वीडियो कोर्सेज हैं 5 और 6 यानी कि आज और कल के डेट में अगर परचेस करते हो तो आपको 30% का बम्पर डिस्काउंट मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से वीडियो परचेस करो, ठीक है, घर पर बैठ के देखो आराम से। कल मिलेंगे, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। आईबीपीएस रीजनिंग दोपहर 1 बजे, आईबीपीएस मैथ्स दोपहर 2 बजे, आईबीपीएस इंग्लिश दोपहर 3 बजे, मंडे टू फ्राइडे। वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग दी वे ऑफ लर्निंग, इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। मैं दीपक तीर्थयानी, जैसा कि कल आपको मैंने सिलेबस में टॉपिक पढ़ाया था, आज हम डिस्कस करेंगे अभी तक के जितने भी बैंकिंग एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं। आज फटाफट से हम जल्दी जल्दी एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ है वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं वाईफाई स्टडी की ऐप पर जाकर। बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं कि यार ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, कमेंट भी करते हैं पीडीएफ अभी तक नहीं मिली, पीडीएफ नहीं मिली, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, वाईफाई स्टडी ऐप पर आप लोग जाकर डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज, ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देखो आप, ठीक है, क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट के अंदर, क्या दिया हुआ है, कुछ समस्याएं समाधान है, सम प्रॉब्लम्स आर सॉल्यूशंस, सम प्रॉब्लम्स आर सॉल्यूशंस, कुछ समस्याएं समाधान है। नेक्स्ट उसने क्या दिया है, नो सॉल्यूशन इज अ ट्रिक, नो सॉल्यूशन इज अ ट्रिक, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन ट्रिक नहीं है, नो सॉल्यूशन इज ट्रिक, क्लियर है। अगला क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर,
ठीक है, ऑल रूल्स आर ट्रिक, सारे के सारे रूल्स क्या हैं, ट्रिक में हैं, ऑल रूल्स आर ट्रिक, सारे के सारे रूल हमने बना दिए ट्रिक के अंदर, ठीक है। ये एक जनरल डायग्राम बना, स्टेटमेंट को देखते हुए हमें डायग्राम बनाना होता है, स्टेटमेंट हमारा ट्रू होना चाहिए, तो हमारा ये डायग्राम बना। यहाँ पर हमें क्या मिला, कोई भी सॉल्यूशन ट्रिक नहीं है, ठीक है, तो सॉल्यूशन ट्रिक में नहीं जा सकता, ये पोर्शन हमें यहाँ पर एस टी में नहीं जा सकता, टी एस में नहीं जा सकता। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, देखो प्रॉब्लम वाला, ये प्रॉब्लम वाला कैसे भी क्रॉस कर सकता है, ये प्रॉब्लम वाला यहाँ भी बन सकता है, ये प्रॉब्लम वाला इसको पूरा भी कवर कर सकता है, तो जिन पर फाउंडेशन लग गई वो तो क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम वाला जो है इस पर कोई भी फाउंडेशन नहीं है, तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर आ सकता है। एस टी में नहीं जा सकता, टी एस में नहीं जा सकता, तो टी के अंदर आने वाला आर वाला जो पोर्शन है वो भी एस में नहीं जा सकता, लेकिन ये टी वाला पोर्शन पी में तो जा सकता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है इस क्वेश्चन के एक से ज्यादा डायग्राम बना सकते हैं। तो फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, कंक्लूजन चेक करेंगे। फर्स्ट कंक्लूजन क्या बोला उसने, कोई नियम समाधान नहीं है, कोई नियम समाधान नहीं है, इट मींस नो रूल इज अ सॉल्यूशन, कोई भी रूल सॉल्यूशन नहीं है, ये पूछ रहा है वो। तो क्या सही है क्या ये, कोई भी रूल सॉल्यूशन नहीं है, क्या ये सही बोल रहा है? बिल्कुल सही बोल रहा है फ्रेंड्स। देखो जब कोई भी सॉल्यूशन ट्रिक नहीं है, कोई भी ट्रिक सॉल्यूशन नहीं है, तो ट्रिक के अंदर आने वाला जो पोर्शन है आर वाला पोर्शन वो भी कभी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो वो जो बोल रहा है कि नो रूल इज अ सॉल्यूशन, ये 100% क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, ठीक है। नो रूल इज अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ट्रिक नहीं है, तो ट्रिक के अंदर आने वाला पोर्शन रूल वाला जो पोर्शन है वो भी कभी सॉल्यूशन नहीं हो सकता, हम 100% श्योर है। नेक्स्ट देखो, कुछ समस्याएं निश्चित रूप से ट्रिक नहीं है, सम प्रॉब्लम्स आर डेफिनेटली नॉट ट्रिक। मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स फर्स्ट क्लास के अंदर, मैंने बोला था कि डेफिनेटली वर्ड दिया हुआ होगा, एटलीस्ट अगर वर्ड दिया हुआ होगा, ठीक है, तो आप इनको डायरेक्टली रिमूव कर दोगे, तो ये डेफिनेटली वर्ड को मैंने रिमूव कर दिया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है हमें, हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, इस वर्ड की हमें कोई जरूरत नहीं है, डेफिनेटली वर्ड को हमने हटा दिया। अब हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, रीड करो क्वेश्चन को, क्वेश्चन के अंदर अब डायरेक्टली पढ़ो इस वर्ड को हटाने के बाद क्या बोल रहा है, कुछ समस्याएं ट्रिक नहीं है, सम प्रॉब्लम्स आर नॉट ट्रिक्स, ठीक है, कुछ समस्याएं ट्रिक नहीं है, बिल्कुल कोई भी समस्या ट्रिक नहीं है, कोई भी समस्या ट्रिक नहीं है, ठीक है, कोई भी समस्या ट्रिक नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है, देखना आप, कोई भी समस्या ट्रिक नहीं है, तो 110% कुछ समस्या भी ट्रिक नहीं है। जैसे वही चीज हो गई ना, सभी ए बी, अगर मैंने बोला सभी ए बी हैं, ऑल ए आर बी, इट मींस सम ए आर बी, ठीक है, तो कुछ ए बी बी होंगे, तो इसी तरीके से अगर कोई भी समस्या समाधान नहीं है, कोई भी समस्या ट्रिक नहीं है, ठीक है, नो ट्रिक इज अ सॉल्यूशन, ठीक है, कोई भी, यानी कि सारे अलग हो गए, समस्या भी अलग हो गई, ट्रिक भी अलग हो गई, तो कुछ भी नहीं होंगे, बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है। तो देखो अब इधर ये वाली जो चीज बोल रहा है, डेफिनेटली वर्ड तो हमने हटा ही दिया, ये डेफिनेटली वर्ड तो हम, डेफिनेटली वर्ड को देखना, ठीक है, ये डेफिनेटली वर्ड तो हम हटा देंगे, हमेशा याद रखो आप तो क्वेश्चंस के अंदर जब भी हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो ये जो डेफिनेटली वर्ड है इस डेफिनेटली, अरे सर, डेफिनेटली वर्ड को हम हटा देंगे। देखो इसको मैंने हटा देता हूं, मैं इसको यहां से, क्लियर है, ये डेफिनेटली वर्ड को मैंने हटा दिया, ये डेफिनेटली जो वर्ड है इसको मैंने हटा दिया, निश्चित रूप से वाले वर्ड को हटा दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन को रीड किया, सम प्रॉब्लम्स आर नॉट ट्रिक्स, बिल्कुल कोई भी सॉल्यूशन ट्रिक नहीं है, ठीक है, पर वो बोल रहा है सम प्रॉब्लम्स आर नॉट ट्रिक्स, सम प्रॉब्लम्स आर नॉट ट्रिक, तो क्या वो सही बोल रहा है क्या यहां पर, ये देखो ये वाले, देखो क्या ये वाले प्रॉब्लम कभी ट्रिक हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, सम प्रॉब्लम्स आर नॉट ट्रिक्स, डेफिनेटली को तो हमने हटा ही दिया, जरूरत ही नहीं है उसकी, ठीक है, इसको देखो आप, सम प्रॉब्लम्स आर नॉट ट्रिक्स, पूरा का पूरा प्रॉब्लम ट्रिक हो सकता है फ्रेंड्स, पर आप ध्यान से देखो क्या ये वाला प्रॉब्लम वाला जो पोर्शन है क्या ये कभी ट्रिक हो सकता है क्या, हम यहाँ पर 100% श्योर हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ये कभी भी ट्रिक में नहीं जा सकता, 100% श्योर है हम लोग, ठीक है। तो ये जो चीज बोल रहा है क्या वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, सम प्रॉब्लम्स आर नॉट ट्रिक्स, बिल्कुल सही बोल रहा है, ये वाला प्रॉब्लम का पोर्शन कभी भी ट्रिक नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रॉब्लम वाला पोर्शन किसमें आ रहा है, सोल्यूशन में आ रहा है, जब सोल्यूशन ट्रिक नहीं हो सकता तो प्रॉब्लम और सोल्यूशन का ये जो कॉमन वाला पोर्शन है वो भी कभी ट्रिक नहीं हो सकता, तो ये भी सही हो गया, ठीक है फ्रेंड्स।
फर्स्ट वाला भी हमारा राइट था, सेकंड वाला भी हमारा राइट है, फर्स्ट भी राइट है, सेकंड भी राइट है, इट मींस बोथ फॉलो, ठीक है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन आर फॉलो, ठीक है, पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलो अब इस क्वेश्चन के लिए देखो क्या दिया है उसने, ऑल साउंड इज फोर्स, ठीक है, ऑल साउंड, जितने भी साउंड हैं, जितने भी साउंड हैं वो सारे के सारे क्या हैं, फोर्सेस हैं, ठीक है, ऑल साउंड्स आर फोर्सेस, ये बना दिया हमने। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, सम फोर्सेस इज मोमेंटम, सम फोर्सेस इज मोमेंटम, सम फोर्सेस इज मोमेंटम, ये बना दिया भाई, ठीक है। फर्स्ट था ऑल साउंड इज फोर्सेस, ठीक है, All sound, सारे के सारे sound force के अंदर हैं। Next उसने बोला some forces is momentum, some forces is momentum, ये general diagram, इन पर कोई foundation नहीं है, कोई foundation नहीं है, it means ये सारे एक दूसरे में mix हो सकते हैं, सारे एक दूसरे में mix हो सकते हैं, it means एक से ज्यादा diagram बन सकते हैं, ठीक है। चलो अब check करते हैं अपन, conclusion को check करते हैं, क्या बोला उसने, some sound is force, ठीक है, some sound is force, obviously बात है, जब सारे के सारे साउंड फोर्स के अंदर हैं, तो सम साउंड तो फोर्स होंगे ही सर, 100% होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, तो वो जो बोल रहा है सम साउंड इज फोर्स, वो 100% क्या है, ट्रू है। सेकंड, सम मोमेंटम इज नॉट फोर्स, सम मोमेंटम इज नॉट फोर्स, देखो इधर क्या ऐसा हो सकता है कि सम मोमेंट कभी भी फोर्स ना बने, उसने बोला सम मोमेंटम इज नॉट फोर्स, ठीक है, इस डायग्राम में मैंने मान लिया सम मोमेंट इज नॉट फोर्स, क्लियर है, लेकिन अगर मैं डायग्राम इस तरीके से बनाता, ऑल साउंड आर फोर्सेस एंड सम फोर्सेस इज मोमेंटम, ठीक है, यह डायग्राम वैलिड है कि नहीं है, सम फोर्सेस इज मोमेंटम वैलिड है भाई, क्लियर है कि नहीं, यह डायग्राम है सम मोमेंटम फोर्सेस है, ठीक है, क्योंकि ये डायग्राम ये भी बन सकता है, डायग्राम ये भी बन सकता है, ठीक है, तो उसने बोला कुछ समय बल नहीं है, सम मोमेंटम इज नॉट फोर्सेस, तो अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा मोमेंटम है जो फोर्स नहीं है इस डायग्राम के अंदर, ठीक है, इसमें तो दिख रहा है ये वाले जो मोमेंटम है, ये बाहर वाले जो मोमेंटम है वो इसमें तो फोर्स नहीं है, क्लियर है, तो इसमें तो मेरे को बहुत इजीली क्लियर हो गया, ठीक है, इसमें तो ये चीज सही हो गई, लेकिन इस वाले डायग्राम में हमें बताओ, क्योंकि ये सारे एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं, तो मोमेंटम पूरा इसके अंदर अगर मैंने ले लिया तो मेरा स्टेटमेंट तो रॉन्ग नहीं हो रहा है, लेकिन अब मुझे बताओ ऐसा कौन सा मोमेंटम है जो फोर्स नहीं है, सारे के सारे मोमेंटम फोर्स हो गए फ्रेंड्स, तो ये चीज इसमें गलत हो गई ना, और हमारा सिलोजम का रूल क्या कहता है, हमने बेसिक मेथड्स पढ़ ही लिए थे 3 दिन से, ठीक है, आज हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं मिक्स क्वेश्चन से सारे, तो हमें ये चेक करना है कि कुछ मोमेंटम फोर्स नहीं है वो इस वाले डायग्राम में रॉन्ग हो गया, इसमें राइट इसमें रॉन्ग, एक में भी रॉन्ग, तो वो चीज क्या होगी फ्रेंड्स, रॉन्ग होगी, यानी वो इसमें रॉन्ग हो गया, फर्स्ट कंक्लूजन हमारा फॉलो करेगा लेकिन सेकंड कंक्लूजन हमारा फॉलो नहीं करेगा, तो आंसर क्या बनेगा इसका, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, चलो देखो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर उसने बोला कुछ प्रदूषित विकसित हैं, सम पोल्यूटेड इज डेवलप्ड, ठीक है, सम पोल्यूटेड इज डेवलप्ड, ठीक है, ये बना दिया मैंने, सम पोल्यूटेड इज डेवलप्ड, सेकंड क्या बोल रहा है, सम डेवलप्ड इज रिच, ठीक है, सम डेवलप्ड इज रिच, ये एक मैंने जनरल डायग्राम बनाया, ठीक है, अब मैंने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये डायग्राम तो बना दिया फ्रेंड्स, पर क्या इस पर बाउंडेशन है, कहीं पर भी नहीं वाली स्थिति आ रही है क्या, नहीं आ रही है, कहीं पर भी रुकावट नहीं है, इट मींस ये सारे एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं, जहां पर भी आपको ठीक है नेगेटिव स्टेटमेंट ना मिले, बाउंडेशन ना मिले, इट मींस वो सारे एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कंक्लूजन चेक करते हैं हम इसके लिए, कंक्लूजन में फर्स्ट उसने बोला है सम रिच इज डेवलप्ड, सम रिच इज डेवलप्ड, ठीक है, रिच डेवलप्ड होना चाहिए, सम रिच इज डेवलप्ड, अब देखो इधर फ्रेंड्स, ये वाली चीज और इस वाली चीज को देखना, ठीक है,
यहां पर लिखा हुआ है सम डेवलप्ड इज रिच, पहले डेवलप्ड लिख रहा है बाद में रिच लिख रहा है, लेकिन कंक्लूजन में पहले रिच लिख रहा है बाद में डेवलप्ड लिख रहा है। तो मैंने आपको डायरेक्टली बताया था ये सेम स्टेटमेंट नहीं है। अगर आपके स्टेटमेंट में आगे ए दिया है पीछे बी दिया है और अगर कंक्लूजन में भी आगे ए है पीछे बी है तब वो रीस्टेटमेंट होगा, तब वो रॉन्ग होगा। लेकिन अगर आगे बी दिया हुआ है पीछे ए दिया हुआ है तब ये रीस्टेटमेंट थोड़ी ना है, तब ये रीस्टेटमेंट थोड़ी है। अब ये रीस्टेटमेंट नहीं है, ए बी तो नीचे भी ए भी मिलता तब वो रीस्टेटमेंट होता, अभी ये रीस्टेटमेंट नहीं है। इट मींस मुझे चेक करना पड़ेगा। चलो चेक करते हैं कि सम रिच इज डेवलप्ड, क्या रिच डेवलप्ड है क्या? ऑब्वियस ही बात है सम डेवलप्ड इज रिच, तो इट मींस सम रिच इज डेवलप्ड। ठीक है, तो ये वाली चीज भी क्या हो गई, राइट हो गई बिल्कुल। नेक्स्ट चेक करते हैं सम डेवलप्ड इज पोल्यूटेड, क्या बोला? सम डेवलप्ड इज पोल्यूटेड, बिल्कुल सम डेवलप्ड इज पोल्यूटेड दिया हुआ है। लेकिन यहां पर देखना फ्रेंड्स आगे क्या है, यहां पे आगे पोल्यूटेड है पीछे डेवलप्ड है, लेकिन अगर इसको रीस्टेटमेंट बनाना होता तो मुझे इस वाली चीज को पोल्यूटेड वाले को आगे लिखना होता, डेवलप्ड वाले को पीछे लिखना होता, ठीक है, तब वो रीस्टेटमेंट बनता। अभी ये रीस्टेटमेंट नहीं है तो चेक करना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं, कुछ विकसित प्रदूषित हैं, सम डेवलप्ड इज पोल्यूटेड, बिल्कुल सम डेवलप्ड इज पोल्यूटेड, तो ये भी फॉलो करेगा, दोनों फॉलो कर रहे हैं। इट मीन्स इसका आंसर भी क्या आएगा, फिफ्थ आंसर आएगा बोथ फॉलो, क्या आएगा बोथ फॉलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखो आप फ्रेंड्स, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर, इस क्वेश्चन को देखेंगे। सम टेबल्स आर वॉचेस, सम टेबल्स आर वॉचेस, फिर दिया हुआ है Some watches are lamp. अब फर्स्ट में क्या चेक करा रहा है वो? Some tables are lamp. ठीक है फ्रेंड्स, एक बार देखना इधर, क्या टेबल लैंप है क्या? ठीक है, वो बोल रहा है सम टेबल्स आर लैंप होने चाहिए। भैया टेबल वॉचेस है, वॉचेस लैंप है, सम दे रखा है कंडीशन के अंदर और वो पूछ रहा है सम टेबल्स आर लैंप, क्या टेबल लैंप है? भैया इस पर बाउंडेशन तो नहीं है ना, बाउंडेशन तो किसी भी तरीके से नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम अगर मैं ये बनाऊं तो क्या रॉन्ग होगा? देखो आप फ्रेंड्स ये डायग्राम भी तो वैलिड है, बिल्कुल 100% वैलिड है। देखो कैसे, चेक कर लो आप स्टेटमेंट, स्टेटमेंट हमारा 100% ट्रू रहना चाहिए, ठीक है, स्टेटमेंट हमारा कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। तो वो बोल रहा है सम टेबल आर वॉचेस, बिल्कुल सम टेबल आर वॉचेस। नेक्स्ट उसने बोला सम वॉचेस आर लैंप, ठीक है, सम वॉचेस आर लैंप, बिल्कुल दिया हुआ है ये रहा सम वॉचेस आर लैंप। अब आप देखो यहां पर टेबल वॉच है, वॉच लैंप है, लेकिन अब लैंप यहां पर टेबल हो गई, ठीक है, हमने डायग्राम कैसा भी बनाया लेकिन हमारा स्टेटमेंट तो 100% ट्रू है ना दोनों डायग्राम्स में, सही है। अब देखो इधर, अब अपन चेक करते हैं इसको, सम टेबल्स आर लैंप, तो इस वाले डायग्राम में क्या टेबल लैंप है, क्या टेबल लैंप है? नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए ये चीज तो क्या हो गई फ्रेंड्स, रॉन्ग हो गई, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं सम टेबल्स आर लैंप, ठीक है, इसके अंदर चेक करो सम टेबल्स आर लैंप, तो इसके अंदर वो चीज क्या हो रही है, राइट हो रही है। फर्स्ट वाला जो कंक्लूजन है वो इस डायग्राम में तो रॉन्ग हो रहा है, फिर वो उसने बोला सम टेबल्स आर लैंप, इसके अंदर राइट हो रहा है। लेकिन नीचे वाला देखो आप क्या बोल रहा है, सम टेबल्स आर नॉट लैंप्स, सम टेबल्स आर नॉट लैंप्स, यहां तो कोई भी टेबल लैंप नहीं है, यहां पर कोई भी टेबल लैंप नहीं है, ठीक है, और वो बोल रहा है सम टेबल्स आर नॉट लैंप्स। जब कोई चीज कोई भी नहीं है तो कुछ भी नहीं होगी, अगर कोई चीज पूरी है तो कुछ भी होगी, कोई चीज दोनों अलग अलग हैं, कोई भी नहीं है तो कुछ भी नहीं होगी, तो बिल्कुल सही बोल रहा है। इसके अंदर सेकेंड वाला जो कंक्लूजन है फर्स्ट डायग्राम में क्या हो गया, राइट हो गया। अब इसमें चेक कर लेते हैं भाई, ठीक है, इसके अंदर चेक कर लेते हैं, यहां लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है, इसके चेक कर लेते हैं सम टेबल्स आर नॉट लैंप, ठीक है, अभी इस डायग्राम में तो नहीं है, इसमें भी राइट हो रहा है सम टेबल्स आर नॉट लैंप, बिल्कुल राइट है, इसके अंदर भी राइट है ना। लेकिन फ्रेंड्स अब आप ढंग से समझना इस चीज को,
एक डायग्राम में ऐसा बना सकता हूं इसके अंदर, जब क्योंकि पूरे के पूरे टेबल क्या हो जाए, लैंप हो जाए। कैसे देखना इधर, अगर मैंने डायग्राम ये बना दिया, ध्यान से देखना, अगर मैंने बना दिया इस तरीके से, ये वॉच, ये लैंप, और अगर मैंने इस तरीके से क्रॉस करता हुआ बना दिया टेबल को, ठीक है, उस लास्ट वाले डायग्राम को देखना फ्रेंड्स आप, ठीक है, उसने बोला यहां पर सम टेबल्स आर वॉचेस, बिल्कुल टेबल्स वॉचेस हैं, देखो टेबल और वॉच में कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है, टेबल और वॉच में कॉमन आ रहा है। फिर उसने बोला सम वॉचेस आर लैंप, बिल्कुल सम वॉचेस आर लैंप, ये रहा वॉचेस भी लैंप हैं, ठीक है। अब इस वाले डायग्राम के अंदर आप इन वाले कंक्लूजन को देखो, सम टेबल्स आर नॉट लैंप, सम टेबल्स आर नॉट लैंप, कुछ टेबल ऐसी हैं जो लैंप नहीं है। यहां पर देखो ऐसी कौन सी टेबल है जो लैंप नहीं है, सारी की सारी टेबल किसके अंदर आ गई, लैंप के अंदर आ गई। तो अब वो बोल रहा है कुछ टेबल तो ऐसी हो जो कि लैंप ना हो, तो इस वाले डायग्राम में ऐसी कोई टेबल बची ही नहीं जो लैंप नहीं हो, इसलिए ये वाला कंडीशन, सेकंड वाली जो कंडीशन है वो इस डायग्राम में रॉन्ग हो गई, ठीक है। एक डायग्राम में वो बोल रहा है, दूसरे डायग्राम में वो बोल रहा है नहीं है, या कुल मिला के अपन कह सकते हैं कि अगर मैं इस वाले डायग्राम को हटा दूं और इस वाले डायग्राम के अंदर कंडीशंस को चेक करूं, तो देखो इधर फर्स्ट वाली कंडीशन जो उसने बोली सम टेबल्स आर लैंप, इसके अंदर रॉन्ग हो रहा है, पर इसके अंदर सम टेबल्स आर लैंप राइट हो रहा है, क्योंकि टेबल को मैंने पूरा का पूरा लैंप के अंदर बना दिया। सेकंड वाला कंक्लूजन सम टेबल्स आर नॉट लैंप, बिल्कुल दोनों अलग अलग हैं तो कुछ नहीं होंगे, बिल्कुल सही है। पर अब बताओ इस वाले डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में ऐसा कौन सा टेबल है जो कि लैंप नहीं है, सारे के सारे टेबल किसके अंदर है, लैंप के अंदर है, ठीक है। तो वो इसके अंदर क्या हो गया फ्रेंड्स, इसके अंदर रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब देखना इधर, यहां पर देखना, एक क्वेश्चन के अंदर रॉन्ग हो रहा है, इसके अंदर राइट हो रहा है, ठीक है। तो हमारी कंडीशन क्या थी, फर्स्ट वाला कंक्लूजन इसमें रॉन्ग था, इसमें राइट था, तो ये रॉन्ग। सेकेंड वाला कंक्लूजन एक में राइट है एक में रॉन्ग है, तो एक में भी रोंग तो क्या होगा, रोंग। तो इंडिविजुअल तो दोनों क्या हो गए, रोंग हो गए, इंडिविजुअल दोनों रोंग हो गए। लेकिन दोस्तों अब आप ध्यान से देखो, मैंने आपको कंडीशन बताई थी आइदर ओर की, आइदर ओर की क्या क्या कंडीशन बताई थी, आइदर ओर की मैंने कंडीशन बताई थी ऑल सम नोट, यानी सभी हैं और कुछ नहीं है, मैं आइदर ओर लगेगा, सम सम नोट, सम नोट के केस में आइदर ओर लगेगा, कुछ है कुछ नहीं है के केस में आइदर ओर लगेगा। थर्ड कंडीशन मैंने बताई थी आपको ऑल एंड सम नोट, सभी हैं और कुछ नहीं है के केस में मैंने आइदर और बताया था। तो देखना इधर, फर्स्ट कंडीशन थी, ठीक है, ऑल सम नोट, ठीक है, सभी हैं कुछ नहीं है। नेक्स्ट मैंने बताया था कुछ हैं और कुछ हैं और कुछ नहीं है इस वाले केस में। थर्ड मैंने बताया आपको सम, कुछ हैं और कोई भी नहीं है, तीन केस होते हैं हमारे आइदर और के, तो उनमें से सेकेंड नंबर वाला जो केस है वो केस दे रखा है सम सम नोट, कुछ नहीं है और ये दे रखा है कुछ है। एक ही क्वेश्चन है, सेम सब्जेक्ट सेम प्रेडिकेट है, टेबल लैंप, ठीक है, एक ही क्वेश्चन के अंदर एक बार उसके होने एक बार उसके ना होने की बात कर रहा है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, आइदर और अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, आइदर और। कहने का मतलब ये कि एक से ज्यादा डायग्राम बन रहे हैं, एक बार उसके होने एक बार उसके ना होने की बात कर रहा है। सम सम नोट के केस में भी आइदर और बनता है फ्रेंड्स, ठीक है, यहां पर क्या बनेगा, आइदर और, या वाली स्थिति बनी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, चलें आगे, आगे चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, ये सारे एग्जाम के आए हुए वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस इयर्स में आ चुके हैं, ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम गर्ल्स आर फ्लावर, ठीक है, सम गर्ल्स आर फ्लावर, कुछ लड़कियां फूल है। नेक्स्ट उसने बोला सम फ्लावर्स आर बुक्स, सम फ्लावर्स आर बुक्स, ठीक है,
अब यहाँ पर बोल रहा है कुछ लड़कियां किताबें हैं, कंक्लूजन अपन चेक करते हैं, ठीक है वही बाउंड सेम सेम थिंग है, ठीक है इनमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है, तो ये सारे एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं डायग्राम ये बना दूं इसका इस तरीके से, सम गर्ल्स आर फ्लावर, सम फ्लावर आर बुक्स, क्लियर है। यहाँ पर ये डायग्राम भी वैलिड रहेगा, ये भी वैलिड है, वो भी वैलिड है, दोनों वैलिड डायग्राम से, क्लियर है। अब चलो इसको चेक करते हैं, सम गर्ल्स आर बुक्स, सम गर्ल्स आर बुक्स, क्या गर्ल्स बुक्स हैं क्या इस वाले डायग्राम में? नहीं है, तो पहला वाला क्या हो गया? रॉन्ग, इसके अंदर रॉन्ग हो गया फर्स्ट वाला। इसके अंदर चेक कर लो, सम गर्ल्स आर बुक्स, बिल्कुल इसके अंदर वैलिड है, तो फर्स्ट वाला इसके अंदर क्या हो गया? राइट हो गया। सेकेंड वो बोल रहा है नो बुक्स इज अ गर्ल, नो बुक्स इज अ गर्ल, बुक्स अलग है गर्ल्स अलग है, तो सेकंड वाला कंक्लूजन इसके अंदर तो राइट है, लेकिन इसमें चेक कर लेते हैं। वो बोल रहा है कि नो बुक्स इज अ गर्ल, कोई भी बुक गर्ल नहीं है, लेकिन यहां पर कुछ बुक्स ऐसी हैं जो क्या हैं? गर्ल हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके अंदर जो ये चीज हो गई वो क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। अब फर्स्ट वाला जो कंक्लूजन है उस पर वापिस आते हैं। फर्स्ट वाला कंक्लूजन इस डायग्राम में रॉन्ग हो रहा था, इसमें राइट हो रहा था, तो एक में भी रॉन्ग होगा तो इंडिविजुअली तो क्या हो गए? रॉन्ग, ठीक है। सेकंड वाला देखो आप, सेकंड वाला कंक्लूजन इस वाले डायग्राम में तो राइट हो रहा है, लेकिन इस वाले डायग्राम में क्या हो रहा है? रॉन्ग हो रहा है, तो एक में रॉन्ग एक में राइट, तो क्या हो गया? रॉन्ग। कंडीशन नाइदर नोर की बन रही है, लेकिन अब ओवरऑल आप इस क्वेश्चन को देखो, कुछ लड़कियां किताबें हैं, कोई भी किताब लड़की नहीं है। देखना यहां पर आगे उसने दिया है गर्ल, पीछे उसने दिया है बुक्स, तो यहां पर उसने आगे दिया है बुक्स, पीछे दिया है गर्ल, तो इतना तो समझ में आ गया कि सब्जेक्ट और प्रिडिकेट क्या है? सेम। सब्जेक्ट और प्रिडिकेट तो सेम है, गर्ल बुक की बात हो रही है, गर्ल बुक की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन इसमें आगे यानी आगे ए यानी कि गर्ल, पीछे बी यानी कि बुक, ठीक है, इधर आगे बुक यानी बी वाली कंडीशन पहले और गर्ल वाली बाद में, ठीक है। यहां पर सब्जेक्ट और प्रिडिकेट का ऑर्डर उसने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से लास्ट वीडियो और उससे पहले वाले वीडियो में भी समझाई थी कंडीशन आइदर और की, कि यहां पर एक बार बोल रहा है कुछ है सम है, दूसरी बार बोल रहा है कोई भी नहीं है, ठीक है। एक बार सम और नो का केस बन रहा है, ऑर्डर भले से चेंज हो गया लेकिन फिर भी इसके अंदर आइदर और अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा? आइदर और अप्लाई होगा, क्योंकि ये हमारी सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। सेम सब्जेक्ट सेम प्रेडिकेट, ठीक है, ए बी बी ए वाली केस हो गया। नेक्स्ट, दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली चेक करने पर क्या हो रहे हैं? रॉन्ग हो रहे हैं, इंडिविजुअली चेक करने पर रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है। तीसरी चीज क्या? एक पॉजिटिव कंक्लूजन है, एक नेगेटिव कंक्लूजन है, तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई इसके अंदर, तो इसके अंदर आइदर और अप्लाई होगा। मैंने आपको बोला था कि सब्जेक्ट और प्रिडिकेट उनका ऑर्डर अगर चेंज हो गया तो भी आइदर और अप्लाई होता है, यह वाली स्थिति बनती है। कहां कहां पर बनती है? फर्स्ट केस मैंने बताया था आपको, सम और नो के केस में बनेगा, ऑर्डर चेंज हो गया फिर भी। सेकंड मैंने बोला था सम सम नोट, ठीक है, कुछ है और कुछ नहीं है के केस में भी आइदर और बनेगा, ठीक है। तो यहां पर आइदर और का केस बनेगा, यहां पर सी ऑप्शन बनेगा, या तो पहला कंक्लूजन सही होगा या फिर दूसरा सही होगा, इस तरीके का आंसर बनेगा, आइदर और बनेगा, ठीक है। चलो समझ में आ गया सभी के? समझ में आ गया हो फटाफट से जल्दी बताओ, जल्दी से, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, सम सोल्जर्स आर फेमस, ठीक है, सम सोल्जर्स आर फेमस। नेक्स्ट दिया रखा है सम सोल्जर्स आर इंटेलिजेंट, ये बनाया हमने, सम सोल्जर्स आर फेमस, सम सोल्जर्स आर इंटेलिजेंट, ठीक है। वही डायग्राम है सेम, इस तरीके से भी बन सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है, तो क्लियर है। ये देखो, ये इंटेलिजेंट, ये सम और ये फेमस, ठीक है। चलो अब देखते हैं, कंक्लूजन चेक करते हैं अपन, इसके अंदर क्या बोल रहा है? कुछ सैनिक या तो प्रसिद्ध या बुद्धिमान है, सम सोल्जर्स आर आइदर फेमस और आइदर इंटेलिजेंट, सम सोल्जर्स आर आइदर फेमस और आइदर इंटेलिजेंट।
कुछ सैनिक या तो प्रसिद्ध या फिर बुद्धिमान है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। सम सोल्जर्स, ठीक है, ये रे सम सोल्जर्स, आइदर फेमस, या तो फेमस या इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, ये वो बोलना चाह रहा है। अब आप एक बात बताओ फ्रेंड्स, ठीक है, इस क्वेश्चन को ओपन करते हैं, पहले एक बार इस नीचे वाले को देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, कुछ सैनिक न तो प्रसिद्ध न ही बुद्धिमान है, ठीक है, सम सोल्जर्स आर नाइदर फेमस नॉर इंटेलिजेंट, दो चीजें बोली है फ्रेंड्स इसने। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझना आप लोग, एक तरफ तो बोल रहा है सम सोल्जर्स आर आइदर फेमस और इंटेलिजेंट, और एक तरफ बोल रहा है सम सोल्जर्स आर नाइदर फेमस नॉर इंटेलिजेंट, ठीक है, यहां पर क्या आएगा फ्रेंड्स, फटाफट से बताओ क्या आएगा, बोथ फॉलो या फर्स्ट फॉलो या सेकंड फॉलो, जल्दी से करके बताओ फटाफट से, यही तो क्वेश्चन है, एक ढंग का क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है, लास्ट प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन जो है वो चल रहे हैं, तो सारे के सारे देखो, सम सोल्जर्स आर आइदर फेमस और इंटेलिजेंट, सेकंड बोल रहा है सम सोल्जर्स आर नाइदर फेमस नॉर इंटेलिजेंट, अब देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, अब बताओ क्या ये सारे एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते क्या, ठीक है, हमने ये डायग्राम जरूर बनाया लेकिन ये सारे एक दूसरे में मिक्स तो हो सकते हैं ना, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ठीक है, इन पर कोई फाउंडेशन नहीं है तो ये सारे एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं, और वो हमसे बोल रहा है सम सोल्जर्स आर आइदर फेमस और फेमस, ठीक है, आइदर फेमस और इंटेलिजेंट, ठीक है, कुछ सोल्जर ऐसे हैं जो फेमस हैं और इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, तो हैं क्या भाई, है ना भाई, ये दिख रहे ना हमें, ठीक है, फेमस है और इंटेलिजेंट भी है सम सोल्जर्स, और हमेशा ही होंगे वो, तो होंगे कि नहीं होंगे, हमेशा होंगे कि नहीं होंगे, 100% होंगे। अब एक बात बताओ मुझे कि ये वाली जो चीज है वो 100% फॉलो करेगी इसके अंदर, ठीक है, सम सोल्जर्स उसके अंदर कुछ की बात कर रहा है तो कुछ तो फॉलो करेंगे, अब सेकंड वो बोल रहा है सम सोल्जर्स आर नाइदर फेमस नॉर इंटेलिजेंट, पर कुछ सोल्जर्स ऐसे हैं जो न तो हमारे इंटेलिजेंट हों और न ही फेमस हों, क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा होगा, ठीक है, अब आप कहोगे कि ये बीच वाले सोल्जर्स ऐसे हैं ना जो न तो इंटेलिजेंट है न ही फेमस है, क्लियर है, तो वो इसके अंदर तो आप वैलिड कर दिया आपने इसको, लेकिन अब आप मुझे एक ये वाला डायग्राम देखना, क्योंकि ये सारे एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं, तो अगर मैं कंडीशन ये बना दूं इस तरीके की, ठीक है, इस सारे के सारे सोल्जर्स को इस तरीके से बना देता मैं, यहां पर इस जगह पे बना देता, ठीक है, ये इंटेलिजेंट, ये फोर्सेस, और बीच में अगर सोल्जर ले लेता, क्लियर है, अगर मैंने डायग्राम ये सोचा, क्योंकि ये सारे एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं तो ये इसको इधर उधर कवर कर सकते हैं सारा, ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को देखना ध्यान से, क्या हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो रहा है कि इस डायग्राम के अंदर सम सोल्जर्स आर फेमस, बिल्कुल सारे के सारे सोल्जर्स मैंने फेमस के अंदर ले लिए तो सम तो वैसे ही हो गए, नेक्स्ट वो बोल रहा है सम सोल्जर्स आर इंटेलिजेंट, बिल्कुल सारे के सारे सोल्जर्स इंटेलिजेंट के अंदर ले लिए, ठीक है, तो कुछ तो वैसे ही फॉलो करेगा, तो यानी ये डायग्राम वैलिड है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, क्लियर है, अब देखो वो क्या बोल रहा है, सम सोल्जर्स आर नाइदर फेमस नॉर इंटेलिजेंट, ठीक है, तो यहां पर तो वो कंडीशन फॉलो कर रहा है, सेकेंड वाली कंडीशन यहां तो फॉलो कर रहा है कि यहां पर अपन दिख रहा है कि कुछ सोल्जर्स ऐसे हैं जो ना इंटेलिजेंट है ना फेमस है, लेकिन यहां पर देखो अब आप ऐसा कौन सा सोल्जर है जो, भैया हमें बताओ ऐसा कौन सा सोल्जर है जो इंटेलिजेंट और फेमस के बाहर है क्या, नहीं है ना, तो वो इसमें क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, फर्स्ट वाला राइट है, सेकंड वाला रॉन्ग है, तो एक भी रॉन्ग तो क्या होगा, रॉन्ग होगा कि नहीं होगा। अब देखो फ्रेंड्स यहां पर इस कंडीशन को एक बार ढंग से समझ लेते हैं वापिस से, सेम कंडीशन इसके अंदर भी देखना, सेम कंडीशन इसके अंदर भी देखना, उसने बोला था फर्स्ट वाले के अंदर कि सम सोल्जर्स आर आइदर फेमस और इंटेलिजेंट, क्लियर है, लेकिन ये वाले तो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो ये राइट किया था, ये वाला रॉन्ग है, फर्स्ट वाला राइट है, सेकंड वाला रॉन्ग है, तो आंसर क्या बनेगा ये बताओ मुझे फटाफट से, फर्स्ट वाला राइट सेकंड वाला रॉन्ग, तो आंसर क्या बनेगा इसका, ओनली फर्स्ट फॉलो, ये चीज समझ में आई कि नहीं, ओनली फर्स्ट, ठीक है, वापिस बताएं, चलो वापिस से देखो, ओके वापिस से देखो एक बार, सम सोल्जर्स आर आइदर फेमस और इंटेलिजेंट, कुछ सैनिक ऐसे हैं या तो प्रसिद्ध हैं या फिर इंटेलिजेंट हैं, बिल्कुल है ना, ये है कि नहीं है,
बिल्कुल है, और हमेशा ही होंगे। सोल्जर फेमस भी होगा कुछ और कुछ इंटेलिजेंट भी होगा, ये तो उसने खुद ने ही दे दिया, तो ये तो 100% फॉलो करेगा, जितने भी डायग्राम आप बनाओगे उन सब में फॉलो करेगा। ठीक है, फर्स्ट वाला तो सही रहेगा, हमेशा ही सही रहेगा भाई। देखो ना इधर, आप इसको भी देखोगे तो भी फॉलो करेगा, इसको देखोगे तो भी फॉलो करेगा। ठीक है, सोल्जर इंटेलिजेंट और फेमस होगा, हमेशा फॉलो करेगा। लेकिन अब आप इसको देखो, वो बोल रहा है कि यार न तो प्रसिद्ध है और न ही बुद्धिमान है। वो बोल मना कर रहा है कि कुछ सोल्जर तो ऐसे हैं जो न तो प्रसिद्ध है और न ही बुद्धिमान है। ठीक है, वो इसमें तो फॉलो कर रहा है, वो इस वाली कंडीशन में तो फॉलो करेगा कि ये बीच वाले जो सोल्जर हैं वो न तो ठीक है इंटेलिजेंट है न ही फेमस है। लेकिन इस वाले डायग्राम में देखो ना, फिर अब इस वाले डायग्राम में बताओ ऐसा कोई सोल्जर बचा क्या जो न तो इंटेलिजेंट हो और न ही फेमस हो। ठीक है, अगर यहाँ पर पॉसिबिलिटी लिख कर देता ना इस क्वेश्चन में कि कुछ सोल्जर ऐसे हो जो न तो ठीक है इंटेलिजेंट हो और न ही फेमस हो, क्या ऐसी संभावना है क्या, तब तो मैं इसके अंदर राइट कर देता पॉसिबिलिटी के केस में तो। लेकिन अभी पॉसिबिलिटी का केस नहीं है, इसलिए मेरे को इसके अंदर भी देखना है, इसके अंदर भी देखना है। तो वो चीज यहां तो फॉलो कर रहा है पर इस डायग्राम में फॉलो नहीं कर रहा है, तो एक में राइट है एक में रॉन्ग है। लेकिन एक में भी रॉन्ग तो क्या होगा, रॉन्ग होगा ओनली इसलिए फर्स्ट ही फॉलो करेगा इसके अंदर, इसलिए फर्स्ट फॉलो करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, देखो आप इस क्वेश्चन को देखना। चलो देखो इस क्वेश्चन को देखो, सभी पत्रिकाएं जनरल हैं, ठीक है ये ले लिया मैंने। ठीक है, सभी पत्रिकाएं को मैं पीटी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, सभी पत्रिकाएं क्या हैं, जनरल हैं। ठीक है, सेकंड चेक कर लेते हैं, कुछ जनरल पीरियोडिकल हैं, पीरियोडिकल को पी आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, कुछ जनरल, ठीक है सम जनरल्स आर पीरियोडिकल पी आर, ये डायग्राम बना। अभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है अभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, फटाफट से देखते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा, इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है कोई इशू नहीं है आपको, मैं समझा रहा हूं। ऑल न्यूज़पेपर्स आर जनरल, सम जनरल्स आर पीरियोडिकल, इसका मतलब को मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये ऑल का केस बना रहा है, ये सम का केस बना रहा है, ये डायग्राम रहा। ठीक है, चलो इसको चेक करते हैं, कंक्लूजन चेक कर लेते हैं फटाफट से। सम पीरियोडिकल आर डेफिनेटली नॉट जनरल, ठीक है कुछ पीरियोडिकल निश्चित रूप से जनरल नहीं है। तो ये जो निश्चित रूप से है, निश्चित रूप से वर्ड आता है डेफिनेटली, डेफिनेटली जो वर्ड आएगा इस डेफिनेटली वर्ड को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इसको हटा देना, जहां भी निश्चित रूप से दिखेगा डेफिनेटली वर्ड दिखेगा इसको हटा देंगे। ठीक है, हटा दिया। अब चेक करते हैं, कुछ पीरियोडिकल जनरल नहीं है, सम पीरियोडिकल आर नॉट जनरल, ठीक है कुछ पीरियोडिकल ऐसे हैं जो जनरल नहीं है। ठीक है, अब देखना इधर आप फ्रेंड्स, यहां पर मुझे दिख रहा है, बिल्कुल यहां पर मुझे दिख रहा है सम पीरियोडिकल्स आर नॉट जनरल। ये देखो, ये बाहर वाले जो पीरियोडिकल हैं वो जनरल में नहीं है। लेकिन क्या ये हमेशा ही ऐसा रहेगा, क्या हमेशा ऐसा रहेगा कि पीरियोडिकल हमेशा इस तरीके से रहेगा कि वो जनरल के बाहर ही रहेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, कोई भी रुकावट नहीं है, तो ये सारे एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं। ये जनरल वाला पोर्शन इसको पूरा भी कवर कर सकता था इस तरीके से, ध्यान से देखना आप, इस तरीके से कवर कर सकता था। ठीक है, सभी पत्रिकाएं ऑल न्यूज़पेपर्स आर ये जनरल, ठीक है और ये सारे के सारे पीरियोडिकल अगर मैं इसके अंदर बना देता, पीआर वाला पोर्शन इसके अंदर बना देता, तो मेरा स्टेटमेंट देखो रॉन्ग नहीं हो रहा। सभी पत्रिकाएं जनरल हैं, ऑल न्यूज़पेपर्स आर जनरल्स, ठीक है पीटी पत्रिकाएं, सारी पत्रिकाएं जनरल के अंदर हैं। नेक्स्ट उसने बोला कुछ जनरल पीरियोडिकल हैं, तो मैंने तो सारे के सारे पीरियोडिकल जनरल के अंदर ले लिए, तो अगर सारे के सारे पीरियोडिकल जनरल के अंदर ले लिए तो कुछ तो वैसे ही हो गए ना, सम वाली कंडीशन तो हमेशा वैलिड रहती है डायग्राम के अंदर। पर अब वो देखो क्या बोल रहा है, फर्स्ट वाला कंक्लूजन देखना, यानी एक से ज्यादा डायग्राम बन गया। वो बोल रहा है कुछ पीरियोडिकल तो जनरल है ही नहीं, कुछ पीरियोडिकल जनरल नहीं है, तो इस वाले डायग्राम में तो सही है, लेकिन इसमें देखो ऐसा कौन सा पीरियोडिकल है जो जनरल नहीं है,
सारे के सारे पीरियोडिकल किसके अंदर आ गए, जनरल के अंदर आ गए, तो वो इस डायग्राम में तो रॉन्ग हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, फर्स्ट में राइट है, सेकंड वाला क्या है रॉन्ग है, तो फर्स्ट राइट है सेकंड रॉन्ग है, तो फिर क्या करेंगे, एक राइट एक रॉन्ग, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। एक डायग्राम में फॉलो कर रहा है, एक डायग्राम में फॉलो नहीं कर रहा है, तो भैया अगर एक भी ऐसा डायग्राम होगा जिसमें फॉलो नहीं करेगा तो उसको हम रॉन्ग कर देंगे, यानी ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड वाला देखना, अब ये पॉसिबिलिटी का केस दे दिया उसने, संभावना वर्ड दे दिया, सभी पीरियोडिकल के पत्रिका होने की संभावना है, बिल्कुल है, 100% है, सभी पीरियोडिकल के पत्रिका होने की संभावना है। जैसे मैंने इस वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर मान लो ये बना दिया मैंने डायग्राम, इसके अकॉर्डिंग देखना, सारे के सारे पीरियोडिकल को मैं किसके अंदर लेके आ जाऊं, पत्रिका के अंदर लेके आ जाऊं, यानी तीनों को एक दूसरे के अंदर कवर कर लूं, तो क्या मेरा स्टेटमेंट रॉन्ग होगा क्या? अंदर वाला मैंने पीआर ले लिया, पीआर, ठीक है, इससे बाहर वाला मैंने पीटी ले लिया, और इससे बाहर वाला मैंने जनरल ले लिया। ठीक है, इस तरीके से अगर मैंने ले लिया पीआर पीटी और जी, तो देखो सभी पीरियोडिकल के पत्रिका होने की संभावना है, एक केस तो बनी रहा है ना, हमारा डायग्राम कहां रॉन्ग हो रहा है, इसमें हमारा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम भी फॉलो कर रहा है और इसके अकॉर्डिंग ये वाला डायग्राम भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इस संभावना के अकॉर्डिंग, पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो हम जानते हैं अगर एक भी डायग्राम अगर फॉलो करेगा तो वो क्या होगा, सही होगा। तो फर्स्ट वाला रॉन्ग कंक्लूजन, सेकेंड वाला राइट, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ओनली सेकेंड फॉलो, ओनली सेकेंड फॉलो। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है? पॉसिबिलिटी के केस में एक भी डायग्राम में फॉलो करेगा तो वो राइट होता है। ये आप अगर आप नए हो, अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो पीछे वाले वीडियोस आप लोग प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप लोग वन बाय वन उसको पढ़िए। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ जो है आपको अभी जस्ट मिल जाएगी। ठीक है, आपको लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आप डायरेक्टली वाईफाई स्टडी की ऐप पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। ठीक है, ओके, समझ में आ गया सभी को? चलो आगे चलें, नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो आप यहीं पे समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्क्रीन टेक्निकल थोड़ी सी, चलो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, सभी इंजन मशीन है। ठीक है, सारे के सारे इंजन क्या है, मशीन है। ये ले लिए मैंने सारे इंजन मशीन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ मशीन कंप्यूटर है, ये बना दिया मैंने, कुछ मशीन क्या है, कंप्यूटर है। मेरे देखो आप डायरेक्टली देखो, आप जितने भी क्वेश्चंस में करा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं और लगभग लगभग सेम टाइप का दिख रहा है हमें डायग्राम हर बार देखो बनाने के लिए। ठीक है, चलो अपन इसको देख लेते हैं। कोई कंप्यूटर इंजन नहीं है, कोई भी कंप्यूटर इंजन नहीं है इस डायग्राम में तो नहीं है, पर मुझे ये बताओ क्या हमेशा रहेगा क्या? ठीक है, क्या हमेशा रहेगा? नहीं रहेगा ना फ्रेंड्स, क्योंकि अगर मैं डायग्राम इसका ये वाला बना दूं तो ये वैलिड रहेगा कि नहीं रहेगा, आप तो मुझे ये बताओ। ठीक है, अगर ये डायग्राम इस तरीके से मैं बना लेता, ठीक है, देखो डायग्राम वैलिड भी रहेगा और वो इसको भी क्रॉस कर रहा है। चलो देखते हैं अपन, ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं इसको। चलो देखो इधर है ना, क्वेश्चन को देखना क्या लिखा हुआ है, सभी इंजन मशीन है। ठीक है, सारे के सारे इंजन किसके अंदर है, मशीन के अंदर है। कुछ मशीन कंप्यूटर है, कुछ मशीन क्या है, कंप्यूटर है। ठीक है, देखो कोई कंप्यूटर इंजन नहीं है, बिल्कुल देखो इधर आप इस वाले के अंदर देखना, फर्स्ट कंक्लूजन बोल रहा है कोई भी कंप्यूटर इंजन नहीं है, बिल्कुल इसमें तो नहीं है।
इसमें तो नहीं है, तो इसमें तो क्या हो गया, वो राइट हो गया, ठीक है, इसमें तो राइट हो रहा है, लेकिन इस वाले डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में क्या कोई भी कंप्यूटर इंजन नहीं है क्या भाई, या कोई भी बताओ इसके अंदर क्या कोई भी कंप्यूटर इंजन नहीं है, नहीं, इसके अंदर क्या हो गया, रोंग, तो एक में राइट, एक में रोंग, एक में भी रोंग, तो क्या होगा, रोंग होगा। अगर कहीं पर भी पॉसिबिलिटी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, कहीं पर भी पॉसिबिलिटी वर्ड लिखा हुआ नहीं है, इफ पॉसिबिलिटी डजेंट ऑकर इन अ कंक्लूजन, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम 100% चेक करेंगे, जितने भी केस हम बना सकते हैं, जितने भी डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं, उन सब में अगर फॉलो करेगा तो फॉलो करेगा, लेकिन अगर एक में भी रॉन्ग तो फिर वो क्या होगा, रॉन्ग। तो जैसे इसमें राइट, इसमें रॉन्ग, तो इसमें ये कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग। लेकिन अब देखो फ्रेंड्स, अब केस बन गया किसका, पॉसिबिलिटी का, संभावना का, सभी कंप्यूटर के मशीन होने की संभावना है, संभावना का केस हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। एक भी डायग्राम फॉलो, एक भी कंडीशन में फॉलो करेगा तो वो राइट होगा, ठीक है, लेकिन अगर यहां पर पॉसिबिलिटी नहीं लिखा हुआ होता, संभावना वर्ड नहीं लिखा हुआ होता, तो सब में चेक करते, जैसे कि हमने ऊपर वाले कंक्लूजन में चेक किया, इस डायग्राम में भी चेक किया, इस डायग्राम में भी चेक किया, लेकिन पॉसिबिलिटी के केस में अगर एक डायग्राम भी, एक भी कंडीशन हमने बना दी तो वो राइट होगी, ठीक है। अब वो बोल रहा है सभी कंप्यूटर के मशीन होने की संभावना है, ये देखो, सभी कंप्यूटर को मैं क्या बना दूं, मशीन बना दूं, वो ऐसे बोल रहा है, ठीक है, तो ठीक है, बना देता हूं मैं सभी कंप्यूटर को, मशीन तो बना दिया मैंने, अब उसके अंदर क्या लेना था मेरे को, सभी इंजन मशीनें, इंजन भी मेरे को मशीन के अंदर लेने थे, ठीक है, ये मैंने एक डायग्राम बना दिया, किसके अकॉर्डिंग, इस कंक्लूजन के अकॉर्डिंग, अगर मान लो, सपोज करो मैंने बना दिया, तो आप ये चेक करो क्या हमारा स्टेटमेंट राइट है, क्या क्या हमारा स्टेटमेंट राइट है, हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं होना चाहिए, भले से वो संभावना बन जाए, ठीक है, चेक करते हैं, सभी इंजन मशीन है, बिल्कुल सारे के सारे इंजन मशीन है। सेकंड उसने बोला कुछ मशीन कंप्यूटर हैं, तो बिल्कुल कुछ मशीन कंप्यूटर हैं, सारे के सारे कंप्यूटर अगर मैंने मशीन में बना दिए, तो मैंने आपको समझाया था जब भी बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो कुछ वाली कंडीशन तो हमेशा ही फॉलो करेगी, फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था कि नहीं बताया था आपको, ठीक है, सिलोज्म के, चलो अभी सभी कंप्यूटर के मशीन होने की संभावना है, तो बिल्कुल हो गई, सारे कंप्यूटर किसके अंदर आ गए, मशीन के अंदर आ गए, तो ये वाली संभावना हो गई भाई, राइट हो गई, फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड राइट, ठीक है, फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड राइट है, तो आंसर क्या बनेगा, सेकंड फॉलो, क्या बनेगा, सेकंड फॉलो। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से, नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा पॉसिबिलिटी से रिलेटेड है, चलो चेक करते हैं इसको। कुछ कलश जंग हैं, ठीक है, कुछ कलश क्या हैं, जंग, बस इस पे ध्यान दो, कुछ मतलब सम है, हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये सम, ये सभी मतलब ऑल, ठीक है, कोई नहीं है, यानी कि नो वाला केस बन रही है, ठीक है, चलो चेक करते हैं। कुछ कलश जंग हैं, ये बना दिया, ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है सभी जंग बर्तन हैं, सारे के सारे जंग क्या हैं, बी, बर्तन बी को देखो बस। थर्ड, कोई भी बर्तन प्लेट नहीं है, कोई भी बर्तन प्लेट नहीं है, ये मैंने फाउंडेशन लगा दी यहां पर, क्लियर है, क्वेश्चन ढंग से समझ लेना आप लोग, ये तो इसके साथ सम वाली कंडीशन बना रहा है। अब देखो बर्तन वाला पोर्शन प्लेट नहीं है, ठीक है, बर्तन वाला पोर्शन प्लेट नहीं है, बी और पी दोनों एक दूसरे में क्रॉस नहीं हो सकते, दोनों एक दूसरे में क्रॉस नहीं हो सकते, इट मींस ये वाला पोर्शन कभी भी इसमें नहीं जाएगा, ये वाला पोर्शन इसमें नहीं जाएगा, तो इसका कुछ वाला जो पोर्शन है ये के वाला भी पूरा तो नहीं जा सकता, लेकिन क्या के वाले पर कोई बाउंडेशन लग रही है, क्या के वाले पर कोई बाउंडेशन नहीं है, तो ये के वाला पोर्शन है, इसको पूरा ऐसे तो कवर कर सकता है, पूरा कवर कर सकता है, ठीक है, अगर जिस पर बाउंडेशन नहीं है तो वो तो पूरा कवर कर सकता है, लेकिन जिस पर बाउंडेशन आ गई वो एक दूसरे के अंदर नहीं जा सकता। अगर बी पी के अंदर नहीं जा सकता तो बी के अंदर आने वाला पोर्शन, ये जो जे वाला पोर्शन है, ठीक है, ये भी कभी पी के अंदर नहीं जा सकता, ठीक है। फर्स्ट चेक करते हैं, कुछ प्लेटों के जंग होने की संभावना है, वो बोल रहा है कुछ प्लेट ऐसी हो जो क्या हो जाए, जंग हो जाए, ठीक है, कुछ प्लेटों के जंग होने की संभावना है,
क्या कुछ प्लेटें जग हो सकती हैं क्या? देखो आप, क्या ऐसी संभावना हो सकती है क्या? हम 100% श्योर हैं, क्या 100% श्योर हैं कि ये बी वाला पोर्शन पी में नहीं जा सकता, तो बी के अंदर आने वाला पोर्शन जो जे वाला पोर्शन है वो भी पी में नहीं जा सकता, जे वाला पोर्शन भी पी में नहीं जा सकता। तो सीधी सीधी सी बात है, ऐसी संभावना भी नहीं हो सकती कि पी वाला पोर्शन जे में बन जाए, इसलिए ये वाली संभावना क्या होगी? रोम। यानी एक भी डायग्राम हम ऐसा नहीं बना सकते जिसमें हम पी को जे के अंदर ले जाएं, क्योंकि अगर आपने ऐसा बनाया ठीक है तो हमारा स्टेटमेंट रोम हो जाएगा। फिर अगर पी को आप जे तक ले गए तो फिर तो बी भी पी हो जाएगा, और अगर बी पी हो गया तो हमारा ये जो बोल रहा है ठीक है कोई भी बर्तन प्लेट नहीं है वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग। इसलिए ऐसी संभावना भी नहीं हो सकती। तो इसलिए फ्रेंड्स ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि हर बार पॉसिबिलिटी के केस में आप एक भी डायग्राम बना सको, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे हम एक भी डायग्राम नहीं बना सकते इस कंक्लूजन के अकॉर्डिंग। चलो अब देखो इधर, सभी कलश कभी प्लेट नहीं हो सकते। क्या बोल रहा है? सभी कलश कभी भी प्लेट नहीं हो सकते। अब देखो, अगर आप सपोज करो कि सारे के सारे कलश को आप प्लेट के अंदर ले जाओ, सपोज करो कि सारे के सारे कलश को आप प्लेट के अंदर ले जाओ, तो एक बात बताओ, ये कलश और ये जग, कलश जग का और इस बर्तन का ये कॉमन जो पोर्शन है, क्या वो प्लेट के अंदर नहीं चला जाएगा क्या? वो भी तो चला जाएगा ना फिर, ठीक है। तो अगर वो चला गया, कलश का ये वाला पोर्शन, अगर आप सारे कलश को प्लेट के अंदर लेके जाओगे तो ये वाला पोर्शन भी फिर तो प्लेट के अंदर चला जाएगा, जो किसका कॉमन पोर्शन है? बी का, बर्तन का कॉमन पोर्शन है। और उसने पहले साफ साफ मना कर दिया कि कोई भी बर्तन प्लेट नहीं हो सकता। जब कोई भी बर्तन, नो बर्तन इज, ठीक है, प्लेट, कोई भी बर्तन प्लेट नहीं है, तो इसका मतलब सारे के सारे कलश को हम कभी भी प्लेट के अंदर नहीं लेके जा सकते, ऐसी संभावना भी नहीं हो सकती। वो बोल रहा है सभी कलश कभी प्लेट नहीं हो सकते, तो वो सही तो बोल रहा है कि सारे के सारे जो कलश हैं वो कभी भी प्लेट नहीं हो सकते। अगर आप सारे के सारे कलश को प्लेट के अंदर ले जाओगे तो बर्तन वाला पोर्शन भी प्लेट हो जाएगा, जिससे हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो वो जो बात बोल रहा है ना कि सारे कलश कभी भी प्लेट नहीं हो सकते, तो वो बिल्कुल क्या बोल रहा है? सही बोल रहा है कि ऐसी संभावना भी नहीं हो सकती, सभी कलश कभी प्लेट नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते, ठीक है। ये 100% राइट है, फर्स्ट रॉन्ग सेकंड राइट, तो आंसर क्या बनेगा? ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो। चलो थर्ड देखेंगे अपन, अरे खत्म हो गया, एक क्वेश्चन था बीच में, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखना आप, इस वाले क्वेश्चन को देखना। चलो करें इस क्वेश्चन को फटाफट से, चलो देखते हैं, करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है? सम मार्केट इज पोल्यूटेड, सम मार्केट इज पोल्यूटेड, नेक्स्ट ऑल पोल्यूटेड इज आर्टिफिशियल, ऑल पोल्यूटेड इज आर्टिफिशियल, क्लियर है? ये बना दिया हमने एक डायग्राम। क्या कोई बाउंडेशन है? कोई बाउंडेशन नहीं है, सारे एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं, क्लियर है? चलो इसको चेक करते हैं, सम मार्केट इज आर्टिफिशियल, सम मार्केट इज आर्टिफिशियल, बिल्कुल ठीक है, हमेशा ही बनेंगे क्योंकि ये कॉमन में आएगा, तो ये राइट है। नेक्स्ट, सम आर्टिफिशियल इज नॉट नॉट मार्केट, सम आर्टिफिशियल इज नॉट मार्केट, इसमें तो सही होगा सेकंड वाला कंक्लूजन, इसमें तो सही होगा, लेकिन अगर ये डायग्राम मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, इस तरीके से बनाया कि ऑल पोल्यूटेड, ऑल पोल्यूटेड आर आर्टिफिशियल, और उसने बोला ऑल ये वाला इसको पूरा कवर कर दिया, मार्केट वाले से कवर कर दिया, ठीक है। इस डायग्राम में तो बिल्कुल वो नीचे वाली कंडीशन देखना, ठीक है, इसमें तो फॉलो कर रही है फर्स्ट वाली, बिल्कुल सही है, सम मार्केट इज आर्टिफिशियल 100% सही होगा, ठीक है, सब में ही होगा वो, क्लियर है? फर्स्ट वाला कंक्लूजन राइट है। सेकंड वाला कंक्लूजन देखना, सम आर्टिफिशियल इज नॉट मार्केट, कुछ आर्टिफिशियल ऐसे हैं जो मार्केट नहीं है, तो वो इसमें तो फॉलो कर रहा है फ्रेंड, सेकंड वाला कंक्लूजन इसमें तो फॉलो कर रहा है, ठीक है, सेकंड वाला कंक्लूजन इस कंडीशन में तो फॉलो कर रहा है, लेकिन इसमें देखना
इसमें देखना ऐसा कौन सा आर्टिफिशियल है जो मार्केट नहीं है, ये बताओ इस वाले डायग्राम में, ठीक है। तो इसमें फॉलो नहीं कर रहा है, एक में फॉलो कर रहा है, एक में फॉलो नहीं कर रहा है। तो अगर एक भी डायग्राम ऐसा हुआ जिसमें फॉलो नहीं किया तो वो क्या होगा, रॉन्ग होगा। लेकिन यहां पर हम 100% श्योर हैं कि सम मार्केट तो आर्टिफिशियल होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट पोल्यूटेड है और सारा का सारा पोल्यूटेड आर्टिफिशियल के अंदर है, तो सब मार्केट आर्टिफिशियल है। तो इसमें तो 100% फॉलो करेगा और हमेशा ही करेगा, इसलिए हम यहाँ पर 100% श्योरिटी के केस को यहाँ पर राइट कर रहे हैं। और इस वाले डायग्राम के अंदर इसमें रॉन्ग हो रहा है, इसमें राइट हो रहा है, तो ये क्या है, रॉन्ग है। अब एक चीज देखना फ्रेंड्स, अब एक चीज देखना, यहां पर सम और सम नॉट कुछ आर्टिफिशियल मार्केट नहीं है, ठीक है। कुछ बनावटी बाजार यहां पे कर देना आप, नहीं है, ठीक है, नहीं है, क्लियर है, ये क्वेश्चन है। तो देखो यहां पर आइदर और लगना चाहिए था, हमारा क्वेश्चन के अंदर क्या लगना चाहिए था, आइदर और, सम कुछ है और सम नॉट कुछ नहीं है, आइदर और लगना चाहिए था। लेकिन देखो आइदर और नहीं लगा, क्यों नहीं लगा आइदर और, क्योंकि भैया इस वाले कंक्लूजन में तो हम 100% श्योर थे, तो ये तो सही है, सब में फॉलो करेगा। लेकिन ये वाला जो कंडीशन है, सम आर्टिफिशियल इज नॉट मार्केट, भैया वो इसमें तो फॉलो कर रहा है कि ये आर्टिफिशियल मार्केट में नहीं है, पर अब बताओ इस वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग ऐसा कौन सा आर्टिफिशियल है जो मार्केट नहीं है। तो वो हम 100% श्योर है कि ये इसमें राइट है, इसमें रॉन्ग है, लेकिन एक में भी रॉन्ग हुआ तो फिर वो क्या होगा, रॉन्ग। और हमारा आइदर ओर की फर्स्ट आइदर ओर की कंडीशन ही क्या है कि सबसे पहले इंडिविजुअल रॉन्ग होने चाहिए। अब इंडिविजुअल रॉन्ग कहाँ हुए, ठीक है, सिर्फ ये वाला रॉन्ग हुआ लेकिन फर्स्ट वाला राइट है, तो भैया यहां पर आइदर ओर नहीं लगेगा, ओनली क्या लगेगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो, क्योंकि यहां 100% श्योरिटी वाला केस था और 100% श्योरिटी के केस में आइदर ओर नहीं लगता, ध्यान रखना फ्रेंड्स इस चीज का, ठीक है। आज का सेशन आपको मुझे बताया अच्छा लगा होगा, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस अपन ने कवर करे। जो लोग नए हैं वो पुराने वीडियोस को जरूर देखें, ठीक है। इससे पहले वाली कल वाली पीडीएफ भी आपको वाईफाई स्टडी की ऐप पर आपको मिल जाएगी, क्लियर है। और आज से रिलेटेड जो पीडीएफ है वो भी आपको वाईफाई स्टडी की ऐप पर मिल जाएगी। चलिए अब आपको साहिल सर पढ़ाएंगे मैथ्स। एक चीज़ और फ्रेंड्स, अगर सेशन अच्छा लगा है तो फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है, शेयर करो जितना कर सकते हो, ताकि कल अपन और भी धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इनपुट आउटपुट आपकी डिमांड पर। ओके, थैंक यू।